हरि बोल जय राधा राम।
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्म उक्तिकम करतले करीचकंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चुड़ामणि। भजामि राधांग मरविंद नेत्रांग स्मरामि राधांग मधुर स्मितास्यांग बदामि राधांग करुणाभराद्रांग ततो मम न्यास्ति गतिर्न क्वापि। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरि इसको बल्ब बंद कर दे। हरे कृष्ण इसको मतलब भजन का जरूरत है बेचारा। हरे गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री ध्रुव जी का चरित्र। श्री ध्रुव महाराज जब श्री वैकुंठ विजय कर रहे थे कर ध्रुव जी का जो गुरु जी श्री नारद जी बिना बजा बजा करके बड़े आनंद से नृत्य कर रहे थे। बोले क्यों नृत्य कर रहे थे? बोले आज एक जीव को मैं भगवान का धाम में भेज दिया है। इसका तात्पर्य है श्री गुरु जी क्या हमसे चाहते हैं? क्या रुपया पैसा धन दौलत ये दुनियादारी चीज चाहते हैं? बोले गुरु जी हमसे ये जड़ वस्तु नहीं चाहते हैं। गुरु जी एक ही वस्तु चाहते हैं जो जीव संसार में दुख कष्ट भोग कर रहा है ये कैसे ये दुख कष्ट को मिटा करके भगवान का धाम कैसे चले जाए। गुरु जी का यही एक ही उद्देश्य होता है। अगर एक जीव को भगवान को पास में भेज दिया तो समझो गुरु जी की दक्षिणा हमने पूरा रूप में गुरु दक्षिणा हमने दे दिया। इसलिए श्री नारद जी जोर जोर से बिना बजा बजा करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो गोविंद जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। अभी श्री मनु महाराज के कर तीन बेटियां थी आकुति देहूति और प्रसूति। यहाँ पर श्री माता देहूति की कथा थी। बोले जिस समय श्री करदम ऋषि ने कठोर तपस्या की भगवान दर्शन करके भगवान उनको दर्शन दिया। बोले बेटा क्या चाहते हो? बोले ठाकुर जी आपकी चरण में हमें अचला भक्ति चाहिए प्रेम भक्ति चाहिए। बोले तथास्तु। बोले और कुछ मांगो? बोले मेरे मन में तो कोई घर गृहस्थ की इच्छा है नहीं।
लेकिन चूंकि आपकी इच्छा है ये संसार का क्रम बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा से मैं शादी करूंगा। लेकिन दो शर्त, बोले क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे तो मैं शादी करूंगा। आप बेटे बनोगे मेरे? बोले ठीक है, मैं तेरा बेटा बन करके आऊँगा। बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक ये संसार में रहूँगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाते, संतान हो जाएगा फिर मैं भक्ति करने के लिए चला जाऊँगा। बोले ठीक है बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। फिर माता देहूति को साथ में श्री करदम ऋषि की शादी हुई। लेकिन शादी को बाद में फिर करदम ऋषि भजन में बैठे गए। जब भजन में बैठे गए, अभी पति भोजन नहीं कर रहे, पति स्नान नहीं कर रहे, पति श्रृंगार नहीं कर रही है, फिर पत्नी कैसे श्रृंगार करेगी? उन्होंने 10,000 साल यही से उन्होंने बैठ कर के तपस्या की, और माता देहूति अपना पति व्रता धर्मों को जाजन करते हुए उन्होंने पति की बड़ी सेवा की। अगर पति सचमुच से पति हो, अगर पत्नी सचमुच से पति की सेवा कर, देखो कितना महत्व है। जब करदम ऋषि की आँख खुली, उन्होंने भूल गए हमने कभी शादी की है, लेकिन सामने पत्नी सेवा करते करते, पति भोजन नहीं कर रहे, पत्नी भी भोजन नहीं कर रही है, क्योंकि पति भोजन नहीं कर रहे ना, और देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई। बोले तुम कौन हो? बोले आपको याद है कभी शादी किया था? बोले वो तुम वही हो। कभी आकृति देहूति प्रसूति इतनी सुंदर थी, किंतु राजकुमारी है, जब वो अपना आंगन में खेलती थी, स्वर्ग के देवता लोग भी जिनको देख करके मोहित हो जाते थे, इतनी सुंदरी। लेकिन उन्होंने पति सेवा करते 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 बुढ़ी बनी गई। बोले बताओ तेरे को क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? बोले था ना ठाकुर अगर बेटे बन करके आएंगे तो मैं शादी करूंगा, अभी भगवान तो बेटे बने ही नहीं। बोले ठीक है जाओ, ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही पहले जितने सुंदर थी, पति की सेवा से उससे भी ज़्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई। 1,000 दास दासियों को साथ में प्रकट हुई। देखो पहले का जो साइंस है ना, कहते अभी का साइंस से बहुत एडवांस था। उन्होंने एक विमान सृष्टि की जिसका नाम था कामक विमान। भागवत में वर्णन आया है वो कितना क्रोस तक वो विमान थी, जिस विमान में बड़े सुंदर सरोवर है, पेड़ पौधा लता पता फूल फल, और जिसमें पूरा एयर कंडीशन, और उसमें कोई बैठे ना, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ी नहीं होगी, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, ऐसे विमान थी। अभी वो विमान का नाम कामक विमान। कामक विमान का मतलब है कोई पेट्रोल डीजल की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आप चाहोगे वो विमान वैसे ही उड़ेगा। अभी वो विमान में बैठ करके आकाश में भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते करते उनको नॉट हो बड़ी सुंदरी सुंदरी उनकी बेटी जन्म हुई। बोले देहूति अभी तो खुश हो गई, ना ना बेटी होगी। बोले नहीं, ये बेटियां तो शादी होकर के अपना ससुर घर में चली जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगा, और भगवान तो अभी बेटे बन करके आए ही नहीं। तो उन्होंने पति की जब सेवा की, ठाकुर स्वयं इनकी बेटे बन करके श्री कपिल मुनि रूप में आए। बोले श्री कपिल भगवान की। अगर घर में बेटी आई तो पिता का पहला कर्तव्य क्या है? बोले बेटियों को शादी दिला। आप लोगों ने कभी बेटी को शादी दिए हो? कौन कौन बेटियों की शादी किया करवाया? कौन कौन हाथ उठा बेटियों का शादी? घर में एक बेटी को शादी कराओ ना, घर खाली हो जाती है। लेकिन इनको पास में कितना बेटियां हैं? 9 बेटियां हैं। तब कितना कष्ट होगा एक के बेटी को शादी देने में। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर आप प्रभु की भक्ति करते हो ना, कितना करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अभी एक दिन श्री ब्रह्मा जी अपना 9 बेटों को साथ में उन्होंने करदम ऋषि से मिलने के लिए आए। इनकी 9 बेटी और उनका 9 बेटे दोनों ही शादी के लायक ही है। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य शीघ्र कर दो। उन्होंने एक साथ में 9 बेटियों को उन्होंने शादी करवा दिया, घर खाली हो गया। आप लोगों ने नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, सुने हो?
उन्होंने क्या बेटी की उन्होंने शादी करवाए, हीरे जवाहरात की झरी लग गई, क्योंकि वो भजन करता था, नरसिंह भगत भजन करता था, भक्ति करता था। ठाकुर जी सावरिया सेठ स्वयं नरसिंह भगत का रूप धारण करते हुए गए और उन्होंने इतने धूमधाम से उन्होंने अपना उनकी बेटी को उन्होंने शादी करवाए। अभी घर हो गया खाली और घर में रह गए केवल पत्नी और बेटा। लेकिन कर्दम ऋषि ने क्या बताए थे, बोले तब तक रहूंगा जब तक बच्चे नहीं हो जाए। अभी बोले मैं तो अभी भजन करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अभी तुम बेटा और मैया घर में रहो। तो यहाँ प्रश्न होता है, बोले भैया भजन करने के लिए क्यों जा रहे हो, बोले भगवान की, बोले भगवान तो तुम्हारे घर में बेटे बन करके बैठे हुए हैं, फिर तुम किसको भजन करने के लिए जंगल में क्यों जा रहे हो, घर में तो बेटा भगवान रूप में स्वयं बेटा आए हैं, फिर बाहर कहाँ भगवान को ढूंढने जा रहे हो। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा, अगर हमें भगवान का दर्शन भी होगा ना, तो आपको कोई लाभ होने वाले नहीं। जैसे रावण ने राम को देखा कि नहीं, रावण ने देखा है ना, लेकिन कल्याण हुआ है। भगवान राम से जिंदगी भर बैर ठाना और भगवान को साथ में युद्ध किया, मेघनाद में भी राम को दर्शन किया, लेकिन लक्ष्मण को तो उन्होंने शक्ति शैल की प्रहार की, राम लक्ष्मण को नाग फांस बंधन में बांध दिया। फिर ठाकुर का दर्शन करते हुए कल्याण के नहीं हुआ। कंस ने भी कृष्ण को दर्शन किया, जिंदगी भर उनको मारने के लिए पुतना अगासुर बकासुर तृणावर्त जिंदगी भर प्रभु को मारने के लिए कोशिश की, तो इनकी कल्याण क्यों नहीं हुआ, ठाकुर को दर्शन करके। हाँ, यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं, फिर भगवान का दर्शन होने से तुम्हारी कोई कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए घर में ठाकुर जी है घर में, लेकिन वो जा रहे हैं जंगल में भजन करने के लिए, क्योंकि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, अगर कृष्ण हमारे सामने अभी प्रकट हो जाएगा ना, कृष्ण तो यहाँ खड़े ही है, ये कृष्ण खड़े हैं कि नहीं, भगवान तो खड़े हैं, लेकिन इनको दर्शन करके कल्याण तो थोड़ी बहुत हो रहा है, लेकिन जैसे होनी चाहिए वैसे कल्याण हमारी नहीं हो रही है। इसलिए जब हम साधन करेंगे, भक्ति करेंगे, धीरे 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 हृदय में जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम होगा ना, ठाकुर जी भागते भागते आएंगे। जैसे कल हम ध्रुव जी का कथा सुन रहे थे, जब ध्रुव ने तपस्या की, भगवान वैकुंठ से ध्रुव जी को दर्शन करने आ रहे थे। जैसे एक व्यक्ति कहीं मेला देखने के लिए कहीं जैसे सद धज करके जाता है, भगवान वैकुंठ से सद धज करके निकल रहे थे, तब वैकुंठ वासियों ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो, बोले ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ। ध्रुव जी को दर्शन वो देने आ रहे थे ना, करने आ रहे थे, कहते मैं ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन देने के लिए नहीं। बोले क्यों, बोले हृदय में जब प्रेम प्रकट होता है, जैसे एक कमल का फूल खिल जाए, कहते ये कमल भौरा को पास में नहीं, भौरा फूल को पास में आता है, उसी तरह जब हमारे हृदय में प्रभु जी का प्रति प्रेम प्रकट होगा, इसलिए हमें भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान हमारे पास में आएंगे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। इसलिए आज घर में भगवान रहते हुए भी कर्दम ऋषि उन्होंने भजन करने के लिए चले गए, घर में अभी दो व्यक्ति माँ और बेटा, लेकिन ये माँ को पता है मेरे जो बेटा है ना ये भगवान है। देखो ये ज्ञान ऐसे की चीज है, अगर बेटे को पास में ज्ञान हो ना, माँ को श्रवण करनी चाहिए बेटे से, ये नहीं सोचनी चाहिए मेरे बेटा है इससे मैं क्या सुनूंगा, ये मेरे को क्या बोलेगा। कभी जो ज्ञान इतने महान होता है, जिसको पास में ये ज्ञान होना, उनको पास में सबके सब अपना सर को झुका देते हैं। एक दिन माँ ने आकर के बोले बेटा तू तो भगवान क्यों, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी पीहर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटा में, कभी बेटी में, कभी दुनिया में, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसलिए बता मेरे कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने माँ को उद्देश्य करते हुए भगवान हम लोगों को शिक्षा दिया, बोले माँ
बोले मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमक्षव। बोले माँ जो मन है यही मुक्ति का कारण और यही बंधन का कारण। ये मन सब कुछ है, हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन इसका राजा कौन है? मन। ये मन ने कहा चलो भागवत कथा हो रही है, सारे इंद्रियां आकर बैठे हैं। अगर मन बोलता अरे कथा में क्या होगा, टीवी खोल कर बैठ जाओ ना, आज वहाँ पर नाटक, वहाँ पर कुछ ड्रामा हो रहा है, चलो वहाँ पर सिनेमा देखने जाएंगे, सब इंद्रियां उधर चले जाते। इसलिए जो मन है यही मेन व्यक्ति है। इसलिए हमारे जो बड़े गुरुजी होते थे प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो और ये मन को 100 बार पीटो। बोले मतलब क्या है? ये मन को समझाओ। बोले मन आज दिन भर प्रभु जी का स्मरण करना, प्रभु जी को याद करना, भगवान की भक्ति करना, गंदी काम में नहीं जाना है। इसलिए बोले माँ ये मन ही मेन हो, ये मन को जब प्रभु की चरण में लगाओगे मुक्ति की कारण बनेगी, यही मन को जब विषय में लगाओगे फिर क्या होगा, ये बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए माँ ये मन को ठाकुर जी की चरण में लगा दे। मैया बोली बेटा बोलना तो बड़ा सहज है लेकिन करना इतना सहज नहीं। द्वापर युग में कृष्ण स्वयं अर्जुन कह रहे हैं बोले चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। अर्जुन स्वयं कहते हैं बोले प्रभु ये बाई को हम बंद करके रख सकते लेकिन मन को नहीं। ये मन तो 1 मिनट में विश्व ब्रह्मांड को चक्कर लगा कर कहा जाता है, इतना ये मन चंचल है। इसलिए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। इसलिए ये मन को हम कैसे काबू में लाए? बोले माँ एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले मेरे भक्तों का तुम संग करो। जब तुम मेरे भक्तों का संग करोगे फिर जब उनकी संग से मेरी कथा सुनोगे ये जो चंचल मन है फिर मनमोहन को चरण में अपने आप लग जाएगी। मन केवल संतों संग से ही लग जाएगी। इसलिए उन्होंने सत्संग की महिमा बताई। बोले सतांग प्रसंगात मम वीर संविदो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा ताजो सना आसो अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोले जब तुम मेरे भक्तों का संग करोगे धीरे 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 जब संतों के कर संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। इसलिए संतन के संग लागे रे तेरी ये कबीर कहते हैं ये बात को। बोले संतन को साथ में अब जैसे संगत करो ना, जो जुआ खेलता है उसको साथ में बैठो जुआरी बन जाओगे, जो शराब पीते हैं उसको साथ में बैठो शराब पी बन जाओगे, चोर को साथ में कुछ दिन बैठो चोर बन जाओगे, और साधु को साथ में बैठो क्या बन जाओगे? साधु बन जाओगे। मेन संग है, जैसे संगत में बैठोगे वैसे ही रंग बदलेगा। इसलिए माँ तू सतक संत का संग करोगे कथा सुनते सुनते धीरे 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 भगवान के चरण में तुम्हारी अपनी आप मति लगने लग जाएगी, अपनी आप श्रद्धा फिर भक्ति फिर भगवत प्राप्ति प्रेम होगा। अगर तुम सत्संग करोगे कहते उससे तुम्हें 5 चीज की प्राप्ति होगी। बोले अ प वर्ग वर्तमनी, प वर्ग मतलब होता है प फ ब भ म, अब जानते हैं ना पर वर्ग कचट थप खचट थप गजट धब है, इसमें जो प वर्ग में प फ ब भ म। बोले प मतलब क्या? बोले प मतलब होता है परिश्रम। बोले फ मतलब क्या? बोले फेण मतलब झांक। बोले ब मतलब बोले व्यर्थता। बोले भ मतलब बोले भय और म मतलब मृत्यु। कहते अगर तू सत्संग करोगे ना तुमको ये 5 चीज मिलेगी। तुम्हारे जो परिश्रम है देखो, एक साधारण व्यक्ति भी परिश्रम दिन भर करता है, एक भक्तों को भी देखना वो भी दिन भर परिश्रम करता है, लेकिन ऊपर देखोगे दोनों ही परिश्रम कर रहे हैं लेकिन जो फल है ना आकाश जमीन पार्थक है। क्यों? एक भक्त दिन भर परिश्रम क्यों करता है, क्यों बिजनेस कर रहा है? जो पैसा मिलेगा लक्ष्मी है वो नारायण की सेवा में लगाने के लिए। रसोई बनाती है एक भक्त, बोले क्यों? बोले भगवान की भोग लगेगा।
घर भी झाड़ू लगाते हैं, बोले घर किसके, बोले ठाकुर जी की, बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले ठाकुर का मंदिर में, अपना स्नान कर रहे हैं, नए वस्त्र पहन रहे हैं, बोले क्यों, बोले गंदे वस्त्र से ठाकुर को सेवा कैसे करूँगा। कहते भक्तों का पायखाना पेशाब जाना भी ये भी भक्ति है, क्यों, वो जो कुछ करती है भगवान के लिए करती हैं। लेकिन इस साधारण व्यक्ति वो भी दिन भर परिश्रम करता है, बोले क्यों, बोले मेरे लिए, मैं खाऊंगा, मैं पहनूंगा, इसलिए बकरी मैं करता इसलिए मरता है, इसलिए मैं मेरा इस चीज को छोड़ करके क्या करनी चाहिए, सब कुछ भगवान के लिए जब करोगे, देखने के लिए तो कर्म लगता है। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन यज्ञ अर्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारित। हे अर्जुन, जब तुम मेरे लिए कर्म करोगे जिसका फल क्या, मुक्त संग समाचारित, एक दिन मेरे चरण को तुम प्राप्त करोगे। इसलिए प मतलब होता है परिश्रम, बोले फ मतलब होता है फेंड बा झांक। देखना संसार में कभी तो इतने परिश्रम करते मुंह से झांक निकल जाती है। बोले ब मतलब व्यर्थता, बेकार, और भ मतलब भय, और माँ मतलब होता है मृत्यु। कहते साधु संग करोगे ये सारे चीज से मुक्त होकर के एक दिन भगवान की चरण को तुम प्राप्त करोगे। इसलिए माँ तुम संतों की संग करो। इतने में फिर माँ प्रश्न करती है, बोले बेटा तुमने बोल दिया संतों की संग करने के लिए, लेकिन इस संतों का कुछ तो लक्षण भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई भदुआ की कपड़ा पहन लिया, गौरी की तिलक कंठी लगा लिए और उसको पीछे साधु बोलकर भाग गए, कुछ का लक्षण तो होनी चाहिए ना। बोले हाँ माँ। बोले क्या, थोड़ा लक्षण बताओ। बोले तितिक सब कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। भगवान संतों की लक्षण कहते हैं। संतों की पहला लक्षण देखो, आप लोग ये मत समझो जो केवल लाल कपड़े गौरी की वस्त्र पहन लिया वही साथी, ऐसे नहीं। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम घर में रहो नहीं तो वन में रहो, जो जितना भक्ति करता है वो उतना बड़ा साधु है। हाँ, भागवत में जो कथा सुन रहे हो ज़्यादा त्यागियों का बात नहीं आता है, वो ज़्यादा गृहस्थी का बात आता है। अर्जुन कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन क्या त्यागी था ना, गृहस्थ था, तो गृहस्थ था। इसलिए ये मत समझो जो घर बार छोड़ करके जटा जुट धारण कर लिया साधु, नहीं, शास्त्र ये नहीं कहता है। शास्त्र ये कहता है किसका कितना भगवान के चरण में प्रेम, ये मेन चीज है। चैतन्य महाप्रभु का अक्सर करके भक्त गृहस्थ में थे, त्यागी बहुत कम दिखते हैं, हैं? इसलिए जो जहां रह करके भक्ति, जितने प्रभु जी का प्रति तुम्हारी प्रेम, प्रहलाद ध्रुव महाराज वो गृहस्थ है, प्रहलाद महाराज गृहस्थ है, अम्बरीश महाराज गृहस्थ है, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ है, गोपियां तो घर में रहती थी, लेकिन इनकी कथा भागवत में आती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं संतों का पहला लक्षण मतलब है, भले ही आप जहाँ पर रहो, पहला लक्षण बोले तितिक सब। तितिक सब मतलब होता है सहन करना। कहते जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो नाश हरे। इसलिए पहला गुण है कहीं भी रहो सहन करना सीखो। अगर घर में अगर बात बात में क्रोध हो जाए, बात बात में लड़ाई झगड़ा करो, कभी सुखी रहोगे? आश्रम में भी थोड़ी बात बात में लड़पड़ोगे झगड़ा करोगे वहाँ क्या शांति मिलेगी? नहीं। कहीं भी रहो सबसे पहले क्या करो, सहन शक्ति सीखो। देखो एक संत थे जिनका नाम था थुकाराम। इनको कभी भी क्रोध नहीं आता था, कभी क्रोध नहीं आता था। एक दिन लोगों ने सोचा, बोले ये कैसे व्यक्ति, कभी उसका क्रोध नहीं आता, आज हम उनको जरूर क्रोध दिलाएंगे। तो उन्होंने किया, वो रोज स्नान करने के लिए जाते थे गंगा में। एक व्यक्ति ने टोकरी में कचरा लेकर रखे, जब आए ना स्नान करके सीधा सर पर डाल दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। फिर जा करके गंगा में नहा करके आए, जब आए फिर उन्होंने डाल दिया, कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने ऐसे 100 बार तक उन्होंने किया, जब क्रोधित नहीं हुए उनको चरण में गिर गए। बोले बाबा हम तो सोच रहे थे आपको क्रोध दिलाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी भी क्रोध नहीं आया, इसलिए आपका चरण में तो हमने अपराध कर डाले। देखो वो संत क्या कहते हैं,
बोले अपराध किया आप जो आज मेरे मंगल किया, आज तक ऐसे मंगल मेरे को किसी ने किया ही नहीं। बोले क्यों? बोले रोज तो मैं गंगा में एक बार स्नान करता था, लेकिन तेरे वजह से आज कितना बार स्नान कर लिया? 100 बार। कितना बार स्नान कर लिया? 100 बार हमने स्नान कर लिया। देखो संतों का जो देखनी है, हैं? उनका जो नजरा अलग तरह का नजरा है, इसलिए अपना नजरा को बदलानी चाहिए। इसलिए कहते संतों का पहला लक्षण है सहन करना। और हमारी संप्रदाय में एक संत हुए हैं जिनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर जी। ये दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, लेकिन इनका जो जन्म है ये मुसलमान घर में ये जन्म हुए, लेकिन हमारे जो हिंदुओं का जो धर्म जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार सबके सब जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो 3 लाख हरिनाम करते थे रोज रोज। 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से बोलते थे चिल्ला चिल्ला करके, और 1 लाख हरिनाम करते थे जो कान तक सुनाई पड़े, और 1 लाख हरिनाम करते थे मन मन में। एक दिन एक मुसलमान ने प्रश्न कर लिया, बोले क्यों? हमने सुना भजन तो मन मन में करते हैं, तू क्या यूँ चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्ण क्या क्या बात है? तब तो उन्होंने कहा देखो एक व्यक्ति इनकम करके स्वयं खाता है और एक व्यक्ति कमाई करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ तो दोनों में बड़े कौन हुए? बोले जो पूरा परिवार को खिलाता है। माता जी वहीं पर बैठे, इसलिए कहते जो व्यक्ति मन मन में करता है वो अपना कल्याण चिंता करता है, लेकिन जो व्यक्ति उच्चे स्वर से हरिनाम करता है जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े लता पता, वो भगवान का नाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम उच्चे स्वर से प्रभु का नाम ले सबको कान में ठाकुर का नाम पड़ता है, ये सबका कल्याण होता है। इसलिए उन्होंने पुराण से एक श्लोक को उद्धृत करके बोले, बोले जपतो हरि नामानि स्थाने सत गुणाधिक। बोले मन मन में जो हरि नाम करते हैं जो उच्चे स्वर से करते हैं 100 गुण उसको ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, एक पत्थर उठाओ और पानी में फेंको, उसमें क्या होगा? तालाब में उसमें लहरी आएगी, हैं? कहते उसी तरह जब हम उच्चे स्वर से ठाकुर का नाम लेते हैं इसका आवाज़ बड़े दूर तक गूंजता है, और जो भगवान का नाम है क्या है? कहते मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। देखो मैं एक गांव के बच्चा हूँ, हम अपना अनुभव में बता रहा हूँ। जब हमारे गांव में हैजा महामारी दुर्भिक्ष कहीं घर में किसकी आग लग गई, तरह तरह का दुख कष्ट होता था, हमारे गांव के लोग क्या करते थे? जो मृदंग और मजीरा लेकर के भगवान का नाम गांव-गांव में करते थे, अष्ट प्रहर बैठा करते थे, 8 प्रहर तक भगवान के नाम चलेगा। जब प्रभु का नाम करते थे अपने आप गांव में शांति की वातावरण आ जाती थी, अपने आप सारे दुख दूर हो जाता था। क्यों? ठाकुर का नाम मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का नाम में बढ़ा सकती है। इसलिए उनको मुसलमान लोगों ने 22 बाजार में पिटाई करने के लिए कोशिश की, बोले देखो तो मुसलमान घर में जन्म हुए हो, ये हिंदुओं का धर्म हरे कृष्ण क्यों करते हो? बोले तेरे शरीर को हम बटी बटी कर काट डालेंगे। बोले भले ही बटी बटी कर काट डालो, मैं भगवान का भजन में छोड़ने वाला नहीं, भगवान की भक्ति में नहीं छोड़ूंगा। इसलिए संतों का जो पहला लक्षण है तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहन करना। दूसरा लक्षण कारुणिक, वो बड़े दयाल होते हैं। चौथा लक्षण बल अजात शत्रु, जगत में उनका कोई शत्रु नहीं होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना परिवार मानते हैं, हम एक पिता की हम सबके सब हम संतान हैं। इसलिए भगवान ने अपना माँ को बड़ी सुंदर सुंदर उनने तत्व ज्ञान बताए, बोले माँ भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, भले ही चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो,
बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। देखो कहते जिसका जिहा के अग्र में भगवान का नाम उच्चारित हो, अब क्या समझो, कर ये समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आया है, तभी इसी जीवन में भगवान के नाम को वो ले रहा है। बोले चार काम किए का क्या करके आए, ध्यान देकर सुना। बोले पहला काम है सारे तपस्या पूर्व जन्म उसने कर चुका है, दूसरा काम है जितने दान पुण्य सारे दान पुण्य कर चुका है, तीसरा काम है जितने तरह का यज्ञ पूर्व जन्म में कर चुका है, चौथा काम है उसने जितने तरह का तपस्या वो पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, तभी इसी जीवन में भगवान का नाम कोई उच्चारण कर रहा है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को भी यही कहते हैं, बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन मेरे नाम को कौन ग्रहण कर सकता है, बोले साधारण व्यक्ति मेरे नाम नहीं ले सकता है। बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने निष्काम पूर्वक मेरी अर्चन पूजा की, तभी इसी जीवन में मेरे नाम को वही ले सकता है। इसलिए आप देखो एक व्यक्ति को बोले थोड़ा हरि नाम करो बैठ करके, कर ही नहीं सकता है। बोले दिन भर दुनियादारी की बात करो, दिन भर भगभग भगभग करते रहेंगे, लेकिन बोलेंगे थोड़ी सी प्रभु का नाम लो, मुंह से नाम ही नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कपिल देव कहते बोले माँ वो चंडाल क्यों नहीं हो, अगर वो मेरा नाम को ग्रहण कर रहा है, समझना माँ ये पूर्व पूर्व जन्म में करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य फल में मेरे नाम को कोई ग्रहण कर रहा है। इसलिए माँ तब उन्होंने ये जीव कैसे सृष्टि होता है इसकी बात बताई। बोले एक व्यक्ति मरने का बाद हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य ये तीनों को द्वारा कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय हमें 3 जमदूत आकर के हम ले जाते हैं। लेने का बाद क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में देखना 13 दिन को बाद में शुद्धि क्रिया होता है, 13 दिन के बाद में ना। बोले क्यों, आप लोग मरने के बाद गरुड़ पुराण को ही सुने हो, घर में गरुड़ पुराण होता है ना मरने के बाद, वो सब कुछ बात बताए। बोले 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया क्यों होता है, बोले एक नदी जिसका नाम बैतरणी नदी जो केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है, वो बैतरणी नदी उसको पार करना पड़ता है, कहते कोड़े मार मार कर उसको पार करवाते हैं, और पार करने के लिए उसको 13 दिन लग जाती है, इसलिए 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया होता है। लेकिन ये बैतरणी नदी किसको पार करना पड़ता है, बोले जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भजन नहीं करते हैं, जिसकी गला में कंठी नहीं तिलक नहीं, जो भगवान के नाम जप नहीं किया, उन लोगों को करना पड़ता है, ये भगवान खुद कहते हैं। लेकिन जिसकी गले में तुलसी कंठी तिलक है, जो भगवान के नाम जप करते हैं, उनको ये नदी पार करना नहीं पड़ा, उनके लिए तो वैकुंठ से भगवान के धाम से विमान आता है, उनको विमान में बैठा करके ठाकुर को पास में ले जाते हैं, इसलिए उसको बात उसको पार कराते हैं। फिर हम जैसे जैसे कर्म किया वो कर्म के अनुरूप 84 नरक है, वो नरक में फिर जीव सारे दुख कष्ट को भोग करता है, भोग करने का बाद उसको फिर चंद्रलोक में भेज देते हैं, चंद्रलोक में भेज करके फिर वो चंद्रमा का किरण दे करके वो जीव किसी फल को वो आश्रय ग्रहण करता है। हम कहते हैं ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, अभी जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ देखना वही फल आप खाओगे। देखो एक समय 2 व्यक्ति की लड़ाई हो गई, एक नास्तिक और एक आस्तिक, नास्तिक आस्तिक समझते हो, एक ठाकुर को मानने वाले और एक नहीं मानने वाले। जो ठाकुर जी को मानता था उसने कहा देख दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, जो नास्तिक था ना बोले मैं ये सब चीज़ नहीं मानता हूँ, मैं जाकर कहीं पेड़ के ऊपर बैठ जाऊँ मेरे को कोई खिला देगा, बोले अगर तेरे भाग्य में लिखा हुआ जरूर पहुंच जाएगा। बोले ठीक है आज मैं परीक्षा करके देखता हूँ कैसे मेरे को कौन खिलाता है। उसने एक जंगल में गया और नदी किनारा में एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया, बोले देखता हूँ मेरे को कौन खिलाता है, वो सब देख रहा है। इतने में हठात देखा
कुछ लोग वहां पर स्नान करने के लिए आए और उसी पेड़ को नीचे बैठ करके ना एकदम प्योर घी की हाँ पूरी बनाने लग गए। वो देख रहा है, बोले ये क्या हो रहा है, मैं तो घोर जंगल में आकर बैठ गया है, पता नहीं ये कहाँ से आकर के प्योर घी की हैं पूरी बना रहे, खुशबू आ रहा है। फिर आलू फूल गोभी की सब्जी बनाई, प्योर घी की काजू पिस्ता डाल करके हलवा बनाए, ऊपर में सारी खुशबू आ रहा है, बोले ये क्या हो रहा है। जब वो लोग बना चुके हैं, हठात किया हुआ कुछ डाकू लोग वो जंगल में रहते थे, उन लोगों ने कहीं आक्रमण कर दिया और लोग लो, लो भाग रहे हैं, बोले डाकू लोग को आक्रमण कर रहे हैं। इतने में वो खाने के लिए तो बनाए थे, इतने में खाएंगे क्या, छोड़कर भाग गए। जब भाग गए इतने में वो डाकू लोग वहां पर आए, एक ने कहा भैया बड़े सुंदर प्योर घी की हलवा की खुशबू, फूल गोभी आलू की सब्जी की खुशबू और पूरी की खुशबू आ रही, भूख भी लग रहा है, कहाँ पर खुशबू। आकर देखा वो पेड़ को नीचे, बोले भैया बड़ा सुंदर, चलो खाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा सावधान, यहाँ पर कोई सेठ साहूकार थोड़ी है, तुम्हारे लिए पूरी सब्जी बना कर रखेगा, लगता है किसको पता हम इसी जंगल में रहते हैं और इसने जहर मिला कर किसी ने हमको मारने के लिए रख दिया, देख जरूर आस पास में कोई होगा। बोले बात सही है, इधर उधर देख करके जो पेड़ के ऊपर देखा ना वो व्यक्ति बैठा हुआ, बोले देख लिया, बता रहे थे ना ये दुष्ट हमको मरवाने के लिए जहर मिला करके बैठा हुआ, बोले उतर हमें मरवाओगे, अभी तेरे को मरवाते। उसको जोर जबरदस्त उतरवाया, बोले इसको भोजन कर, भोजन नहीं मार, थप्पड़ मारे उसको, मार मार करके ना वो तीन आदमी का भोजन था, उसको ठोस ठोस करके खिलाए, ठोस ठोस कर खिला, बोला हमें मरवा गए, मर हम जा रहे। अभी इसको विश्वास हो गया सचमुच से हैं दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, कहाँ मैंने झगड़ा करके कहाँ जंगल में आकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया और भगवान इसको ठोस ठोस कर लड़ाई किया ना, ठाकुर को विश्वास नहीं किया, दो तीन आदमी को खाना में एक आदमी को ठोस ठोस करके खिलाए। फिर उसको इतने विश्वास हो गया, फिर उन्होंने कविता लिखी, बोले अजगर ना करे चाकरी पंखी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। वो इतने बड़े संत बने जिनका नाम हो गया मलुक, मलुक दास जिनका नाम हुआ, इतने बड़े। ये भगवान खुद कह रहे हैं, बोले माँ जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा ना वो वही फल को भी खाएगा और वो फल खाने पर शरीर में वीर्य रूप धारण करता है, पर पति पत्नी मिलने पर फिर तो पत्नी के गर्भ में जाता है। पूरा वहाँ भगवान वर्णना किया, पांच दिन में कैसे बेर फल रूप धारण करता है, कि एक महीना में कैसे शरीर का अंग प्रकाश होता है, सात महीना में उसका सारे अंग प्रकाशित हो जाता है और सात महीना में उसको ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है उसको पूर्व पूर्व जन्म की उसको याद आता है, क्योंकि बोले माँ जो गर्भवास है, गर्भवास नहीं ये नरकवास है, क्योंकि गर्भ के अंदर में केवल टाटी पेशाब खून पीक इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं गर्भ में, और बच्चे को नौ महीना तक रहना पड़ता है। बच्चा भगवान को पुकारता, बोले प्रभु मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। भगवान कहते बेटा क्या करोगे, उसको हजार हजार जन्म की उसको बात याद आता है, पूर्व पूर्व जन्म में मैंने कैसे कैसे गंदा गंदा कर्म किया और वो फल स्वरूप कैसे गर्भ में कष्ट भोगना पड़ रहा है, लेकिन सुख का समय पूरा दुनिया साथ में था, लेकिन दुख का समय में वो पत्नी कहाँ, वो पति कहाँ, वो बच्चे कहाँ, कोई है ही नहीं। संसार झूठा केवल, संसार मतलब का संसार उसको पता चलता है। बोले ठाकुर जी अगर एक बार मेरे को यहाँ से निकाल दोगे ना, मैं आपको कसम कर खाता हूँ आपके पास में, कभी ये झूठे संसार में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि ये संसार आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन तुम कौन, ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, स्वार्थ का दुनिया है, आपका उठते बैठते तेरे नाम लूंगा। भगवान कहते हैं क्या ये दुख कष्ट पा करके मेरे पास में कह रहे हो भजन करोगे, फिर जब भजन करूंगा ना भूल तो नहीं जाओगे, बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा। बोले अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग ही देते रहूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए मेरे, फर्स्ट वार्निंग। अब ध्यान देकर देखना, बाल यहीं से पकता है कान के पास में, पहला बेल दे दिया सावधान,
भगवान से कसम खा करके आया था ना भजन करने के लिए, कितने माला जप कर रहे हो और कितना समय टीवी देख रहे हो, ये पहला वार्निंग कान में दे दिया। जब एक बाल पक जाती है ना, हम उसको उखाड़ देते हैं, बोले इतना जल्दी हमें बूढ़ा बना रहे हो, हम कुछ नहीं हुआ। जब दूसरा बाल पक जाए फिर दूसरा वार्निंग, तीसरा बाल पक जाए तभी उखाड़ देते हैं, अगर फिर खिचड़ी हो जाता ना फिर कलर कर देते हैं, मेहंदी लगा करके फिर कलर कर देते हैं, इसको वार्निंग हम नहीं सुनते हैं। भगवान कहते दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या, बोले आंखों में कमजोरी आ जाएगी, फिर हम चश्मा पहनते हैं, बोले तेरे को तीसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या, बोले एक एक करके दांत तोड़ना प्रारंभ करूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के बढ़िया 32 दांत लगा करके खिलखिला करके हंसते, बोले कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले दो प्यार से तीन प्यार कर लूंगा, बोले डंडा पकड़ना शुरू करोगे। ये उसका एक एक वार्निंग इसलिए सावधान कर देते हैं, तू जो गर्भ में वायदा करके आया था भजन करने के लिए, भजन करो, जब फिर भक्ति नहीं करता है फिर राम नाम सत्य हो जाता है। सत्य हो जाने पर आप देखे होंगे जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको है उसको अर्थी को सजाते हैं, उसको तो लेटा देते हैं, लेकिन सर को पास में हाथ प्यार आप देखे होंगे बांध देते हैं, है? क्यों बांध देते हैं, बोले तुम भजन नहीं किए हो। उसका सर एक तकिया के ऊपर रख लेते हैं, रख करके चार व्यक्ति कंधे पर क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। प्रभु बेटा जितने प्रभु का नाम लिया ना अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ कमाया धमाया वो सब यही छोड़ करके जा रहे हो। पत्नी तो दरवाजे तक आएगी उसको आगे नहीं आएगी, परिवार वाले श्मशान तक जाएंगे उसको आगे नहीं जाएंगे। अब देखे होंगे जब ले जाते हैं शरीर तो बांध दिया, केवल सर को नहीं बांधते हैं, वो कहते राम नाम सत्य है, अरे अभी तो जिंदगी भर तो बोला नहीं, अभी तो तू राम का नाम ले, उसका सर ऐसे ऐसे होता है, हिलता है, बोले अभी भी मैं नहीं लूंगा, अभी बोले अभी भी नहीं लूंगा, बोले अभी चल अभी तेरे को दिखाता हूँ, नहीं लोगे तो फिर चिता से जाते, फिर उसको लेट आ देते, बोले अभी तो नाम ले, बोले नहीं लूंगा, बोले नहीं लोगे, फिर उसको बेटा उसका मुंह में मुखाग्नि देते हैं। कारण क्या है, मुंह में इसको क्यों अग्नि देते हैं, बोले जिस मुंह भगवान तेरे को भजन के लिए दिया तुमने भजन नहीं किया उस मुंह में आग है, लेकिन हमारी भक्ति जगत में मुंह में आग नहीं, उसका चरण में अग्नि देते हैं। कारण क्या है, अग्नि एक देवता है, बोले जिसने जिंदगी भर प्रभु का भजन किया ये अग्नि भी अभी तेरे चरण को पूजा कर रहा है, अग्नि तुम्हारे चरण को पूजा करता है, अग्नि ये भगवान माँ अपना माँ को इस बात कहते हैं, इसलिए कहते हैं माँ ये जीवन पाते हुए जीवन का उद्देश्य है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये 84 लाख जन्म में एक ही जीवन मिला है, जिस जीवन में हम भजन करके भगवान को पास में जा सकते हैं, और किसी को इतना सुजोग नहीं दिया, केवल ये मानव शरीर में दिया, इसलिए भगवान राम क्या कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो सा तन पावा, बड़े भाग मानो सा तन पावा, तोरा दुर्लभ सद ग्रंथ नगावा, तोरा दुर्लभ सद ग्रंथ नगावा, बड़े भाग मानो सब तन पावा, बड़े भाग मानो सब तन पावा, साधन धा हम कर द्वारा, साधन धा कर द्वारा, पाई न जेई पर लोक सवारा, पाई न जेई पर लोक सवारा, साधन I'm
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरे जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे श्री राधे बोल वृंदा बोल डाल प्रभु जी आप ब्रजराज ब्रज बिहारी भजन गाल फटाफट गा Thank you.
अपनी
जय जय श्री
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने नरक की वर्णना की, कैसे जीव जैसे जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप जीव कैसे दुख कष्ट भोगता है। परीक्षित महाराज सुनकर के डर गए, बोले जीवों को इतना दुख कष्ट भोगना पड़ता है? बोले हाँ। बोले ये दुख कष्ट से मुक्ति की कोई उपाय है कि नहीं? बोले हाँ उपाय है। बोले कैसे? बोले केचित केवल या भक्त्या नारायण परायणा अग्नौ धुनति कृष्णेन निहार इव भास्कर। उन्हें उदाहरण दिया, जैसे सूर्य उदय होने पर अपने आप सारे अंधकार दूर हो जाता है। अगर कोई भगवान का नाम को ग्रहण करे, कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है, प्रभु का नाम से ही जीव का सारे पाप दूर हो जाएगा। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए, एक सुंदर कथा सुनाए। बोले एक ब्राह्मण निवास करता था कान्यकुब्ज देश में, जिसका नाम था अजामिल। बेचारा ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, सारे सद्गुण संपन्न, सवेरे उठ करके पिता माता की सेवा करे, चरण स्पर्श करे, कभी झूठ बोले नहीं, दूसरों को पर दया करता था, सारे सद्गुण उसको अंदर में रहता था। पत्नी ब्राह्मणी कम उम्र की, देखने में बड़ी सुंदरी। एक दिन उसने यज्ञ के लिए लकड़ी संग्रह करने के लिए जंगल में गया। गया तो देखा एक शूद्र एक शूद्राणी दोनों विवस्त्र अवस्था में वो विहार कर रहे शराब पी करके। उसने देखना शुरू कर दिया, देखा तो उसको जैसे हृदय में फटो खींच गई। देखो ये गंदा चीज कितना ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन जब उसने घर में आया, अपना पत्नी ब्राह्मणी कम उम्र की थी, उसने अपना ब्राह्मणी का त्याग दे दिया और शूद्राणी को एक बार देख करके इतने मुग्ध हो गया, अभी वो शूद्राणी को साथ में उसने रहना शुरू कर दिया। इसलिए देखो ये जो गंदी गंदी जो पिक्चर आती है ना, अजामिल जैसे व्यक्ति, ब्राह्मण घर में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, अगर एक बार देख करके उसका बुद्धि अगर भ्रष्ट हो सकता है, फिर बताओ हम लोग क्या करेंगे। इसलिए अभी जो इतने उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, आप लोग सुने होंगे आगरा में क्या हुआ, क्या घटना हुई है, ये सारे दुष्प्रभाव, सारे गंदी गंदी जो पिक्चर आती है, गंदी गंदी उल्टा पुल्टा चीज को देख करके। इसलिए उसको बुद्धि भ्रष्ट हो गया, शूद्राणी को साथ में रहा, उसको हाथ में अमेध्य कुमेध्य उसने भोजन की और उनको 10 बच्चे हुए। लेकिन सबसे जो छोटा बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया, और सबका छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी वो बात बात में बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण मेरे लिए भोजन ले आ, नारायण तुम कहाँ हो। अभी ऐसे बात बात में बच्चे को बुलाता है, ऐसे वो बात बात में नारायण 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 बोलता था। अभी उसकी अंतिम मृत्यु का समय आया तो अभी जो कर्म करते हैं काय मन वाक्य से, अभी 3 जमदूत लेने के लिए आए और उसको देख करके उसने देखा अपना बच्चा दूर में खेलते हुए, उसने चित्कार करके बुलाया, बोले बेटा नारायण नारायण। ये 4 अक्षर है, एक तरफ में सतत, एक तरफ से जमदूत आए और दूसरे तरफ में 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। अभी दोनों में घमासान लड़ाई हुई। अभी जमदूत कहते हैं ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हैं ले जाएंगे। इतने में विष्णुदूतों ने प्रश्न किया, बोले बेटे तुम लोग कहाँ से आए, तुम लोग है कौन? बोले हम धर्म राजा का दूत। बोले धर्म का नाम पर ये अधर्म कैसे कर रहे हो? बोले अधर्म किया। बोले तुम ये वैष्णव अजामिल को कैसे लेने के लिए आए? बोले आपको पता ही ये कौन? ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, पत्नी सुंदरी कम उम्र की थी, अपना पत्नी को त्याग करके के वेश्या को साथ में रहा, उसकी हाथ में सारे अमेध्य कुमेध्य भोजन की, 10 बच्चे हुए, उसको पालना करने के लिए डाकू गुंडागिर्दी चोरी हर तरह का उसने गंदा काम किया, सीधा नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया पुण्य भी तो कुछ किया है। बोले पुण्य क्या किया? बोले अभी जो नारायण नाम लिया। बोले वाह, जिंदे एक बार पाप करो और मरते समय एक बार नारायण बोल दिया, हो गया। देखो भगवान का नाम में कितने शक्ति को क्या उदाहरण देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया
जैसे एक भूस का पहाड़ हो, आग की एक चिंगार लग जाए ना जला करके राख कर देता है। पेट्रोल में अगर एक आग की चिंगार गिरे ना सारा दुनिया को जला करके ध्वंस कर सकता है। कभी जड़ वस्तु में जब इतना शक्ति है और भगवान का नाम क्या है, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान का नाम में ये शक्ति नहीं, उसने ठाकुर का नाम को उच्चारण किया। फिर जमदूत कहते हैं बोले ठाकुर का नाम कब लिया, बोले अभी लिया। बोले ठाकुर को कब बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुलाया था, अपना बेटे को उसने नारायण नाम से बुलाया था। बोले देखो जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था तभी उसको पाप से मुक्ति हो गई थी, लेकिन उसने जो बारंबार नारायण 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 बोला, जैसे हम माला जप करते हैं ना, इसका हो गया माला जप। और जो अंतिम समय में जो उसने नारायण नाम लिया, कत अंते जा मति सागति, अंतिम समय में कृष्ण गीता में कहते हैं जम जम व्यापी शरण भाव त्यजन्ते अंते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भावे भावित। हे अर्जुन, अंतिम समय में जैसे स्मरण करते करते ये शरीर छूटेगा वैसे ही गति होगा। हम आगे सुनेंगे ये भरत महाराज अंतिम समय में ये हिरण को इसलिए उन्होंने अंतिम समय में जो भगवान का नाम को उसने ग्रहण किया है इसी से उसका सारे पाप नष्ट हो गया। तो उन लोगों ने उदाहरण दिया भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे, बोले सांकेत्यम पारिहास्यम बा स्तोभ महलने नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। देखो क्या बोल रहे हैं, कहते सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब इशारा करके, जैसे बेटा का नाम कृष्ण नारायण राम रख लिया, बच्चे को बारंबार भगवान का नाम से पुकारते हो, इसी से भी जीव का कल्याण होता है। इसलिए पहले पहले सब लोगों को पुराने पुराने लोगों का नाम पूछो, राम कृष्ण गोविंद है नरहरि, सब भगवान का नाम होगा। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो टुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी, जितने विदेश में जो कुत्ते हैं ना सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम भरवाते हैं, भगवान का नाम नहीं, बल नजर लग जाएगा। इसलिए आप कभी वृंदावन में जाओ अंग्रेजी बच्चों को पूछो, पढ़ते हैं अब जाकर अंग्रेजी बच्चों को पूछो क्या नाम, उनको पूछो कृष्णा गोविंद दामोदर, हम हालो कहते वो हालो नहीं कहते, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम। अंग्रेजी लोग अभी हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, बच्चों का नाम भगवान का नाम पर रखो। बच्चों को जितना बार भगवान का नाम पर बुलाओगे, जीवा से जितना बार ठाकुर का नाम निकले, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, उसी घर में ठाकुर का नाम गूंजेगा। जिस घर में ठाकुर का नाम गूंजे वो घर का कल्याण, जीवा का कल्याण, बच्चे का कल्याण, बोलने वाला का कल्याण, सबका ही कल्याण कल्याण है। इसलिए पहले लोग सब भगवान का नाम पर बच्चों का नाम धराया करते थे। बोले सांकेत्यम, दूसरा नंबर बोले पारिहास्यम। पारिहास्यम का मतलब होता है अगर हंसी दिले से है। एक हमारे संत थे जिनका नाम था गदाधर दास, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए सबको उन्होंने हरिनाम दिया, लेकिन एक मुसलमान काजी था जो भगवान का नाम नहीं लेता था। इतने में सवेरे पहुंचे, बोले काजी पाजी महाप्रभु सबको भगवान का नाम दिया, तू अकेला रह गया जो प्रभु का नाम नहीं करता हो, बोल हरिनाम भगवान का नाम बोल। बोले तू जा मैं कल हरि बोलूंगा, तू चले जा कल मैं। बोले हरि तो अभी तुमने बोल दिया, अभी तुम्हारी कल्याण हो गया है। इसलिए अगर परिहास पूर्वक भी प्रभु का नाम ले उससे भी कल्याण होता है। स्तोभम, स्तोभम मतलब स्तुति व गान रूप में प्रभु का नाम, तभी कल्याण होता है। हैं, और हिला पूर्वक भी नाम ले, मतलब चार ही तरह से भगवान कल्याण करता है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी एक छोटी सी कथा सुनाते थे, देखो ध्यान देकर सुना। बोले एक समय दो भाई रहते थे घर में, एक भाई तो भजन और दूसरा भाई भजन नहीं करता था। अभी जो भजन करता है उसको पता ठाकुर का भजन में कितना रस है, कितना आनंद है, लेकिन दूसरा भाई भजन नहीं करता है। वो सोचा अगर घर में दोनों भाई भजन करते दोनों आनंद में रहेंगे। एक दिन अपना गुरुजी को घर में बुलाया, बोले गुरुजी आज घर में सत्संग करें,
और मेरे भैया को थोड़ा समझाओ वो भी भजन करे, दोनों भैया बढ़िया से भजन करेंगे, एक घर में रहेंगे। बोले ठीक है। जब उसने गुरु जी को बुलाया ना, उसको पता चला गया कि गुरु जी को घर में बुला रहा है, मतलब मेरे को समझाएंगे। बोले भजन करो। बोले मैं सत्संग में बैठूंगा तब तो गुरु जी समझाएंगे। जब देखा घर में गुरु जी आ रहे ना, उसने तो बाथरूम में जाकर के अंदर से कुंडी बंद कर दिया, मेरे को बैठना नहीं। गुरु जी आए सत्संग किए जब जा रहे थे, बोले इसका कल्याण कैसे करें। तब उन्हें दरवाजा खटखटाया, बोले बेटा दरवाजा खोल। बोले नहीं खोलता। बोले एक बार तो खोल दे। किसी तरह से एक बार खोला, गुरु जी हाथ पकड़ लिए। बोले बेटा कम से कम एक बार तो तू कृष्ण बोल दे, एक बार तू कृष्ण बोल दे। तो उसने बोला मैं कृष्ण नहीं बोलता हूँ, मैं कृष्ण नहीं बोलता। बोले बेटा कृष्ण नाम ही तुमने ले लिया, तेरा उधार हो गया। लेकिन एक काम करियो, ये नाम को कभी बेचना नहीं। बोले ठीक है गुरुदेव, कभी मैं नहीं बेचूंगा। बोले इसी नाम से तेरे को उधार होगा संसार से। जब इसका मृत्यु हुई, अभी इसका जमदूत ले गए जमपुरी में। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले कापी खोलो, इसका कितना पाप और पुण्य बताओ। बोले ये तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, भजन ही नहीं किया। बोले थोड़ी बहुत तो होगा। बोले एक बार इनका गुरुजी घर में आए थे और गुरुजी से एक बार कृष्ण नाम सुन करके एक बार नाम लिया, और गुरुजी ने कहा था इसी नाम से उद्धार होगा, एक कृष्ण नाम इसने किया है। तब उसको पूछा बताओ एक कृष्ण नाम का फल लोगे ना पाप का फल पहल लोगे। अभी उसको याद आया गुरुजी ने ये बताया था, अगर ये नाम को तू बेचेगा नहीं, यही नाम तेरे को मुक्ति का कारण बनेगा। बोले मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दे दो। अभी जब महाराज सारे वेद पुराण उपनिषद को ढूंढे, एक कृष्ण नाम का क्या फल है, सारे शास्त्र में एक ही उनको बात मिली, हरि से बड़ा हरि का नाम है। जब भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके, तब भगवान को बराबर कुछ हो सकता है। जब महाराज का दिमाग काम नहीं किया, उसको मैं क्या दूं एक कृष्ण नाम का फल। बोले मेरे दिमाग का काम ही नहीं कर रहा है। बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं। बोले तुम चलो। बोले मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को पालक ला, पालक में बैठा करके ले चलो। अभी जब महाराज चित्रगुप्त फंस गए, पालक में बैठा करके जब ब्रह्मा लोग ले जा रहे थे, ब्रह्मा जी दूर से देखा, बोले ये कौन सा पुण्यात्मा को लेकर के जम चित्रगुप्त स्वयं पालक में ला रहे हैं। उन्होंने तो उनको स्वागत करने के लिए आरती का थाला लेकर के वहाँ पर अपेक्षा किए। जब वहाँ पर पहुँचे, बोले ये कौन पुण्यात्मा जो आप स्वयं कंधे पर लाए हो। बोले ये पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा है। बोले इसको फिर कंधे में क्यों लाए। बोले उनको फंसा दिया। बोले गुरु जी से एक बार कृष्ण नाम सुना, गुरु जी बोले इससे उद्धार होगा, और वो कहते हैं मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दो। हमने सारे शास्त्र ढूंढ लिया, हर जगह पर एक ही बात कहता है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। हमारा दिमाग तो काम नहीं किया, आप ही बताओ। तो ब्रह्मा भी सारे वेद पुराण को ढूंढे, ढूंढते ढूंढते उनके के श्लोक मिला। देखो श्लोक क्या कहता है। बोले मधुरम मधुरम मंगल मंगला नाम सकल निगम बलि सत्फल चीति स्वरूपम सक्रीदपि परिगीतम श्रद्धया हलयावा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण नाम। जो भगवान का नाम है ये मधुर से भी मधुर, मंगल से भी मंगल प्रभु का नाम। सक्रिय मतलब एक बार, श्रद्धा नहीं तो हिला पूर्वक अगर प्रभु का नाम उच्चारण हो, कत अशेष अगहरम विदु, उसका सारे पाप को ठाकुर का नाम दूर कर देता है। अभी ब्रह्मा जी का भी दिमाग काम नहीं किया, उसको क्या दे। बोले चलो शंकर जी को पास में। बोले चलो। बोले चल करके नहीं जाऊंगा, पलकी में बैठा कर ले जाना पड़ेगा। ब्रह्मा भी कंधे लगाए। ब्रह्मा चित्रगुप्त जब महाराज जब शिवलोक में पहुंचे, शंकर जब दूर से देखा पार्वती को साथ में, वो भी स्वागत करने के लिए खड़े रहे। बोले ये पुण्यात्मा कौन आप कंधे पर लाए। बोले ये पुण्यात्मा नहीं पापात्मा। बोले कंधे पर क्यों लाए। बोले मतलब फंसा दिया। बोले आप बताओ एक कृष्ण नाम का क्या फल। शंकर भी सारे वेद पुराण को ढूंढे, उनको भी एक श्लोक मिला। बोले एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे पापी साध्य नाही ततो पाप करे। मतलब है एक भगवान का नाम में इतने शक्ति है, इतने पाप को नष्ट कर सकता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है।
शंकर जी का दिमाग भी काम नहीं किया, बोले भैया जिनका नाम उनको पास में चलो, अभी ठाकुर जी को पास में बोले चल करके, बोले नहीं कंधे पर ले जाना पड़ेगा। भोले बाबा भी कंधे लगाए हैं, अभी ब्रह्मा भोले बाबा चित्रगुप्त और जब महाराज जब वैकुंठ में पहुंचे, बोले ये पुण्यात्मा कौन जो आप लोग कंधे पर लाए, बोले प्रभु जी ये पुण्यात्मा नहीं ये पापात्मा, बोले फिर कंधे पर क्यों लाए, बोले गुरु जी से एक बार कृष्ण नाम सुने, गुरु जी बोले उधार होगा नहीं बेचोगे तो वो मांग रहा है कृष्ण नाम का फल दो, आप ही बताओ, बोले इसको ले आओ। जब ले आए ठाकुर जी उसको अपना गोद में बैठा दिया, बोले प्रभु क्या फल, बोले उसका ये फल है अगर कोई सदगुरु से एक बार नाम सुन करके नाम ले तो उसका फल है जिसको चित्रगुप्त, जिसको स्वयं जम, जिसको स्वयं ब्रह्मा और शंकर जी जिनको कंधे पर लेकर उनको वैकुंठ ले जाते हैं और एक दिन वो मेरा गोद में उसको स्थान मेरे गोद में प्राप्त करता है। इतना महिमा प्रभु की नाम की, इसलिए पहले पहले सब लोग बच्चों का नाम ठाकुर पर धराया करते थे। इसलिए आप लोग भी ऐसे नहीं मन में जो कुछ हुआ है बच्चों का नाम को धरा दो, नहीं शास्त्र मना करता है, क्योंकि नाम के ऊपर में सारे प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो हिंदू हो, शादी से पहले जन्मपत्री मिलाते हैं ना, जन्मपत्री क्यों मिलाते हैं, उसका नाम के अनुरूप जो नाम पड़ा हुआ होगा उसी नाम से ये जन्मपत्री मिलाते हैं, फिर जाकर के शादी करवाते हैं, फिर पति पत्नी जिंदगी भर खुश में रहते हैं। अभी इतना डाइवोर्स क्यों हो रहा है, कारण क्या है, वैसे तो उल्टा पुल्टा जो मन में आया नाम दे दिया, फिर जन्मपत्री मिला ही नहीं, फिर लव मैरिज कर लिया है, आई लव यू आई लीव यू फिर आई किल यू, फिर जाकर के कोर्ट में लड़ाई झगड़ा फिर करते हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति है ना, जो पहले जो संस्कृति, वो संस्कृति के अनुरूप अगर हम चलेंगे फिर तो हम जीवन में सुखी और मंगलमय रहेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब श्री जमदूतों को विष्णु दूतों ने मार करके भगा दिया, जमदूत ने सारे अस्त्र शस्त्र को लेकर के जम महाराज का चरण में डाल दिया, बोले आज से आपकी नौकरी हम नहीं करेंगे। बोले क्यों क्या हो गया, बोले इतना अपमान, ये अपमान को हम सहन नहीं कर सकते। बोले भाई बात क्या है, बोले एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम गए थे, पता नहीं कहां से चार हाथों वाले आ गए, इतने अपमान हम सहन नहीं कर सकते हैं, हम तो अभी तक सोच रहे थे जगत का हर्ता कीर्ता विधाता आप हो, हमने देखा दुनिया में आपको कोई मानने वाले नहीं। इन्हें बोले भैया बात किया तो बताओ, बोले वो व्यक्ति तब जमदूत ने जम महाराज ने कहा मरते समय उसने कुछ बोला था, बोले हाँ एक बार क्या नारायण नाम लिया था। अरे जम महाराज सुनते ही तो वहीं पर बेहोश हो गए, बोले बड़े दिनों में मेरी प्रभु का नाम सुनने को मिला, बोले आपका प्रभु, हम तो सोच रहे थे आप ही दुनिया का प्रभु। बोले मूर्ख हो तुमको क्या पता धर्मों के बारे में, मैं तो नौकर हूँ, मेरे प्रभु तो नारायण है, उन्होंने मेरे को ये ड्यूटी में लगाया है, मेरे को ड्यूटी में लगाया, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक प्रभु नारायण है। तो उन्होंने बोले खबरदार जो प्रभु का भजन करते हैं ना उनको पास में मत जाया करो। बोले जो भजन करते हैं नहीं जाए, बोले हाँ, बोले हमें पहचान कैसे आएगा कौन भक्ति करता कौन नहीं करता, कुछ तो कुछ लक्षण बता दो, जिस लक्षण को देख करके फिर हम जाएंगे नहीं, एक चार्ट बना दो, देखो ये चार्ट ये सब जम कह रहे हैं, तुम तिलक कंठी का महिमा बोल देना ठीक है, नहीं चल नहीं बोलना। इसलिए उन्होंने एक क्या उन्होंने लिख दिया, देखो पर्चा किया है, कहते जिह्वा न बत्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जत सीर एकदापि तान अनधम असत अकृत विष्णु कृत्या। ये चाट है, उन्होंने ये जम स्वयं कह रहे हैं, जिनको शरीर में ये सब चिन्ह देखोगे समझ ले जाना ये प्रभु की भक्ति करने वाले, प्रभु की ये भजन करने वाले। उदाहरण देते हैं जैसे कि सुहागिनी स्त्री, हमें कैसे पता चलता है सुहागिनी, जैसे मांग भरती है, मंगलसूत्र पहनती है, शंखा पहनती है, कुछ लक्षण से हमें पता चलता है ये सुहागिनी स्त्री है, हैं? कहते उसी तरह
जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके शरीर में भी कुछ देखने को मिलता है। बोले क्या चिन्ह है? बोले ललाट तिलकम दिखेगा, गले में तुलसी की माला दिखेगा, और जो तीसरी चीज ये भगवान की नाम करते हैं। उदाहरण दिया, जैसे अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो, नहीं तो रसिया जाना चाहते हो, आपके पास में तीन चीज होनी चाहिए। क्या क्या तीन चीज? पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा, और तीसरा नंबर टिकट। देखो ये साधारण जगत में 2-4 घंटे का दूरी है, अगर वहाँ जाने के लिए आपके पास में ये तीन चीज की जरूरत है तो भगवान के पास में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं। इसलिए वहाँ भी जाने के लिए हमारे पास में भी पासपोर्ट, वीजा और हमारे पास में टिकट होनी चाहिए। कभी ये पासपोर्ट किया है? बोले गले में तुलसी फेंटी। कभी ये वीजा किया? बोले ये तिलक। कहते ये टिकट किया है? बोले भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम। अगर ये तीन चीज होना फिर तो आपको भगवत धाम में जाने का जाने के लिए कोई रोक नहीं सकते हैं। श्री नाम महाराज की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो उन्होंने चार्ट बनाए, इतने में जो अजामिल था अभी उसको तो ले जा रहे थे जमदूत, लेकिन विष्णु दूत ने रक्षा कर दिया और उनका अंदर में जो शास्त्रार्थ हुई उन्होंने सब कुछ सुना था। बोले हे भगवान, मैंने बेटा का नाम नारायण रख लिया, एक बार अंतिम समय में नारायण का नाम लिया तो सारे पाप से मुक्ति, और मैं स्वयं सुना विष्णु दूतों से नाम की कितनी महिमा, वो मरा नहीं। फिर जाकर के हरिद्वार में उन्होंने भजन किया, जब भजन किया फिर वही चार विष्णु दूत वैकुंठ से आए। बोले रथ में बैठो और ठाकुर जी के पास में चलो। तो उन्होंने बोले एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? बोले जब मैंने पहले एक बार नारायण नाम लिया था आप लोग चारों आए थे, उसी समय में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपका चरण स्पर्श करना चाह रहा था, लेकिन आप बात भी नहीं किए, चरण स्पर्श भी मुझे करने नहीं दिया। लेकिन अभी कह रहे हो चलो, बात भी कहते हो और बोलते हो चलो, इसका तात्पर्य क्या है? बोले पहले जब तुमने एक बार नाम लिया था वो जो नाम था वो नाम से तुम्हारी पाप दूर हो गया था, लेकिन भगवान को पास में जाने का तुम लायक नहीं था। अभी तुमने जब भजन किया, भजन करते करते तुम्हारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ये सब दूर हो गया। पहले श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि निष्ठा आसक्ति भाव, अभी प्रेम तुम्हारे हृदय में भगवान प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। हम सबको साथ में बात नहीं करते, सभी वैकुंठ नहीं जा सकते हैं जब तक हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो। अभी तुम्हारी भजन करते करते प्रेम प्रकट हुआ इसलिए बात भी कर रहे हैं और तुमको लेने के लिए आए। फिर उन्होंने भगवत धाम को उन्होंने गमन किया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, आप भगवान वामन देव को तैयार किया है? भगवान वामन देव को तैयार किया हो? कोई कर रहे हैं? कोई माताजी तुम लोग कोई कर दिया? कौन कर रहा है? जाओ तुम जाकर देख लो, जब तैयारी हो जाएगी ना तो मेरे को बोलना। अभी हमारे बीच में एक बच्चा है, आपको अभी ये तिलक कंठी और ये माला की कितना महत्व है हैं? अभी इसी विषय पर हमारे श्री प्रभु जी बताएंगे, ठीक है? माइक ले लो। वहीं पर खड़े बोलो। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय वयम् हरे कृष्णा। आप लोग सब बैठ जाइए क्योंकि ये केवल और केवल 5 मिनट का ही होगा वक्तव्य और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बैठ जाइए। बोलना तो मेरे को कुछ और था, महाराज जी ने सुबह आज्ञा दी थी प्रहलाद जी का चरित्र, पर एकदम से वो ऑन द स्पॉट होता है ना,
ऑन द स्पॉट फंक्शन होता है या फिर ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन होता है ना कि ड्राइंग कंपटीशन है तो क्या बनाना, बोले वहाँ पे ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलेगा उसी पे ही बना देना। तो ये ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया है इसलिए कोई खड़ा नहीं होएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बैठ जाइए। दीदी उनको ठीक है, हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं मंचासीन व्यासपीठासीन मेरे परमानंद श्री गुरुदेव के चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ, उसके बाद मेरे परम गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित समस्त वैष्णव वृंदों को प्रणाम करता हूँ। समय कम है तो बस जल्दी जल्दी ही, गुरुदेव ने आदेश दिया है कि तिलक और कंठी की महिमा मैं आपके सामने, जो उनकी कृपा से मैंने सीखा है, वो मैं आपके सामने बताऊंगा। देखिए तुलसी जो है, हम लोग कंठी जिसकी धारण करते हैं वो क्या है, तुलसी है। अभी पीछे एक रिसर्च हुआ, अनिरुद्ध प्रभु फोन देना अपना, अभी पीछे एक रिसर्च हुआ पिछले साल सर्दियों में, उस रिसर्च में आया है कि हम लोग सुनते हैं कि फोन के अंदर जो हार्मफुल रेज निकलती है, फोन जो है फोन के अंदर हार्मफुल रेज निकलती है ना, कहते हैं कि रात को फोन अपने पास नहीं रख के सोना चाहिए क्योंकि हार्मफुल रेज जो है वो हमारा सेरिबेलम जो है दिमाग का उसमें इफेक्ट करती है, ऐसे भी कहते हैं, हर्ट के लिए भी इफेक्ट करती है, ऐसे बताते हैं। तो साइंटिस्टों ने अभी पीछे डिस्कवर किया है और इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कि यदि तुलसी के पत्ते को, दो चार तुलसी के पत्तों को मोबाइल के पीछे कवर में लगा लिया जाए, ये ऐसे कवर है ना, तो इसको खोल करके ऐसे यहाँ पे लगा लिया जाए, या आप लोगों का जो भी फोन है उसमें कवर तो होगा ही क्योंकि आजकल सब सेफ्टी तो रखते ही हैं तो कवर रखते हैं, तो अगर उसमें रख दिया जाए तो जो वो जो रेज हार्मफुल रेज है वो आपको हार्म नहीं करेंगी। ये साइंस, ये अभी अभी पिछले ही साल सर्दियों में इस पे डिस्कवरी हुई है, मतलब इस चीज को कहा गया है। ठीक है, ये तो साइंटिफिक थोड़ा फैक्ट था, वो बता दिया, ध्यान आ गया। अब शास्त्रों पे आ जाते हैं। हम लोग तुलसी धारण करते हैं तो कंठी धारण करते हैं हम लोग, तो ये तुलसी है, तुलसी जी हमारे श्रीमद् भागवत जी में इस तुलसी को बताया है कल्याणी, ये कल्याणकारिणी है तुलसी। रास पंचाध्याय में स्वयं गोपियां कह रही हैं ये बात, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय कुलय विभ्रद दृष्टः केन प्रिय अच्युता, प्रिय अच्युताः अच्युत येन अच्युताः, श्री कृष्ण की जो प्रिया है ये तुलसी जी, जो इनके चरणों पे हमेशा रहती हैं, ये कल्याणी है, कल्याणकारिणी है। हम लोग जिस तुलसी की कंठी को धारण करते हैं, देखिए उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। जब हम लोग स्नान करते हैं, सब स्नान तो करते ही हैं, तो पद्म पुराण में लिखा है कि स्नान जब हम लोग करते हैं तो स्नान करने के बाद वो जल हमारे ऊपर से होता हुआ तुलसी की कंठी पर छूता हुआ वो जल जब पूरे शरीर पर गिरता है तो पूरे के पूरे भारतवर्ष में पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी जी की महिमा है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नानम् भवनिधितेन न संशयः। पद्म पुराण, जब हम लोग स्नान करते हैं तो वो जो जल होता है वो कंठी को छू करके जब हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है तो समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने का परम अक्षुभ पुण्य प्राप्त हो जाता है। और अब ये तो मेरिट्स हो गई इसकी, तुलसी की। शास्त्र में लिखा है त्वत् प्रणतीत प्रणाम्यैः तुलसैः केवलं येन षट्कोणाभ्यां तस्तत्य केवलं आर्तचन्द्रे व्याधिनां न कुर्वन् इति। मतलब जो पुरुष लोग हैं वे साष्टांग प्रणाम जब तुलसी जी को करते हैं तो उनके शरीर की व्याधि खत्म हो जाती है। यदि कोई नित्य तुलसी जी को प्रणाम करता है साष्टांग, जो माताएं हैं वे पंचांग प्रणाम करती हैं और जो पुरुष लोग हैं भैया लोग हैं वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने मात्र से यदि नित्य प्रणाम तुलसी जी को
करते हैं तो पक्की बात है उसके शरीर से महाव्याधियों का निराश हो जाता है, वो निकल जाती है। ये भी पुराण का श्लोक है। अच्छा, ये तो मैंने मेरिट्स बता दिए, अब डीमेरिट्स भी, तो कोई भी चीज है उसके मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं, ये तो पता ही है, हानि लाभ है ना। वैसे तो जीवन की हानि लाभ तो भगवान के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, भगवान के हाथ में। बाकी यदि भगवान के वचन है, पुराणाम पुराणानाम वचन हरियाव वचन इति कथ्यते, भगवान के वचन ही पुराण के वचन है। तो इसीलिए अब इसकी मेरिट्स तो आपने सुन ली, अब डीमेरिट्स देखिए इसकी, नुकसान क्या है यदि तुलसी कंठ में नहीं है तो। यत कंठे तुलसी नास्ति तेन राह मूढ़ मानसाह श्रुणोति विश्राम समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिसके गले में तुलसी नहीं है वह मूढ़ मनुष्य है, उसके द्वारा छुआ हुआ जल जो है, जो छुआ हुआ जल है वह मदिरा के तुल्य है, शराब के तुल्य है, और उसके द्वारा छुआ हुआ जो अन्न है वो स्वानविष्टा के समान है। हमारे तो पुराने जो संत होते थे ना, यदि किसी के गले में कंठी नहीं है ना तो उससे अपनी स्नान की बाल्टी भी नहीं भरवाते थे। एक बार महाराज, बड़े महाराज जी किसी के यहाँ गए और किसी के यहाँ जाकर के वे कुएं के पानी को निकालने लग गए, वो उनसे उन्होंने कहा कि भाई मैं कुएं के पानी से स्नान करूंगा, तो वो यजमान जो है, जो भी महानुभाव था, वो उसने कुएं से पानी निकालना शुरू किया। महाराज जी ने देखा नजर, उसके गले में तो कंठी नहीं है, तो महाराज जी बोले ए रख दे रख दे रख दे, अब कोई जरूरत नहीं है भरने की, मैं खुद ही कर लूंगा खुद ही कर लूंगा। क्यों? अरे जो कल्ले जिस, एक तो हमारा शरीर मलमूत्र का भंड है, ये तो सबको ही पता है, इसके अंदर मल और मूत्र दो ही चीजों से बना है, हालांकि यह सार भी है शरीर का। आप अंदर के मल को सारे को निकाल दो, जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सारा मल जब निकल जाता है तो क्या बचता है? महाराज आंखें बाहर आ जाती है, कहते ना इसको लूज मोशन हो गए, ऐसे मोशंस होते हैं जो सच्ची में ही लूज कर देते हैं, लूज मोशंस है ना। तो हालांकि ये सार भी है शरीर का, सार मल मूत्र है ना, तो इसलिए तो ये शरीर मलमूत्र का भंड है। महाराज हम लोग सेवा पूजा करने के लायक भी नहीं है, इतना गंदा शरीर है हमारा, सच्ची बात है। भगवान सेवा स्वीकार करने, हमारी सेवा स्वीकार करने योग्य नहीं है, इतना गंदा शरीर हम लोगों का है। हर जगह से जहां से देखो वहां से पीप निकल रही है, आप थोड़ा सा भी जल भी जाता है तो भी दिख जाता है इसका स्वरूप। लेकिन भगवान की कितनी अतिशय कृपा है कि वह कल्याणकारिणी तुलसी जब कंठ में आपूलित, कंठ में सुशोभित हो जाती है, वह त्रिपुंड जब मस्तक पर उर्ध्वपुंड जब मस्तक पर सुशोभित हो जाता है, आभा को प्राप्त करता है, तब श्री भगवान गले लगा करके अंगीकार करने को तैयार हो जाते हैं। यह तिलक की महिमा है, तुलसी की महिमा है। और अब तिलक की महिमा बता देता हूँ, तुलसी की तो महिमा मैंने बता दी, तिलक की, अच्छा एक और महिमा है तुलसी जी की। तुलसी जी की जो माटी होती है, हम लोग तुलसी जी को नित्य प्रति जल देते हैं, उसकी जो माटी है तुलसी जी की, उसको यदि मस्तक पे लगाते हैं तो क्या होता है? सहस्त्रो वाजपेयाद्यप्यही, सहस्त्र वाजपेय यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है एक बार मिट्टी लगाने से। सोचो कितनी छूट दे रखी है भगवान ने हमारे लिए, और हम लोग हैं कि अपने आलस की वजह से, केवल और केवल आलस की वजह से हम लोग ये सब नहीं करते हैं। तिलक तुलसी जी की यह महिमा है। और तिलक की महिमा मैं बता देता हूँ, तिलक जो हम लोग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? हम लोग जो तिलक लगाते हैं उस तिलक का नाम क्या है, पता होना चाहिए ना भैया, लगा के आए हो। ऊर्ध्वपुंड, ऊर्ध्वपुंड है, ऊर्ध्वपुंड का मतलब ऊर्ध्वम नयति यत् पुण्ड्रम प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्यम ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद् धारे ध्वजा। नीचे से लेकर के ऊपर तक खिंचे हुए तिलक को ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ये दो भगवान के चरण हैं और बीच में ये तुलसी है, चरणों पर श्री तुलसी जी विराजमान हैं, यानी कि भगवान के चरणों को लेकर के हम लोग शोभा पा रहे हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वम नयति यत् पुण्ड्रम प्राणिनम पापकारिणम, कितने से कितना बड़े से बड़ा पापी हो, तस्याख्यम ऊर्ध्वपुण्ड्रेति, उसके मस्तक पर यदि ऊर्ध्वपुंड है तो तस्मात् तद् धारे ध्वजा, पापी से पापी मनुष्य भी है तो भी उसका कल्याण ऊर्ध्वपुंड लगाने से ही हो जाता है। ऊर्ध्वपुंड धर्योर मृत्योर
स्मृयते यत्र कुत्रचित् स्वपाको अपि विमानस्थं मम लोके महीयते स्कंद पुराण ऊर्ध पुण्र धर्योर मृत्योर स्मृयते यत्र कुत्रचित् स्वपाको अपि विमानस्थं मम लोके महीयते। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड सुशोभा शोभा पा रहा है ना, भगवान के दो चरण चिन्ह उसके नीचे तुलसी जी शोभा पा रही है, तो उसकी मृत्यु कहीं भी हो जाए, अचानक से चलते चलते कहीं भी मृत्यु हो जाए, भाई मृत्यु का टाइम फिक्स नहीं है, ये तो पता ही है ना, मृत्यु का टाइम फिक्स नहीं है। मरण ही जान ही केवे हर, केवल भगवान जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। तो यदि अचानक से चलते चलते कहीं भी हमारी मृत्यु हो जाए एक कहीं भी, लेकिन अगर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है ना, तिलक है, तो भगवान कहते हैं ममलोके महीयते, मेरा विमान आता है उसको ले जाने के लिए, वो मेरे परम धाम को जाता है। यह ऊर्ध्वपुंड की महिमा है। सब ते तिलक अरुमाला, तिलक ये है, सब ते बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाला, सदा सहाय रहे गोपाला, दूब साटी जो संत ही मारे, ताको चक्र सुदर्शन जारे, ताको चक्र सुदर्शन जारे। जैसे कोई नई नई दुल्हन है या बहू है या घर की कोई नारी है, जब वह बाहर जाती है तो घर से जब बाहर चलती है अपने काम के लिए चलती है, तो उसके मस्तक पर बिंदी, उसके भाल पर बिंदी शोभा पाती है, मांग में सिंदूर शोभा पाता है, गले में मंगल सूत्र जो मांगलिक चिन्ह है वह शोभा पाता है। तो सामने आया हुआ मान लो कोई कामी व्यक्ति भी है, तो एक बार उस पर नजर डाल करके नजर नीची कर लेता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह किसी की परिणीता है, इसका पाणी ग्रहण हो चुका है। वेद के पवित्र मंत्रों द्वारा किसी ब्राह्मण ने अथवा किसी महापुरुष ने इसका हाथ जो है इसके पति के हाथ में दे करके और इनको संबंध से अभिशिन्न कर दिया है, संबंध से सुशोभित कर दिया है, तो वो अपनी नजर नीची कर लेता है। ऐसे ही जब कोई वैष्णव मस्तक पर तिलक और गले में कंठी सुशोभित करके चलता है, तो सामने खड़ी हुई गंदी वासना भी एक बार देख करके सावधान हो जाती है कि अब इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये श्री गोविंद का है, क्योंकि ये श्री भगवान का है। इस कारण से तिलक और तुलसी की अपार महिमा है। सूरदास जी का नाम आप लोगों ने सभी ने सुन रखा हो, महाराज सात सात आठ आठ किलो तुलसी पहनते थे गले में। मेरी नीचता का बखान मैं किस प्रकार करूं, लेकिन भैया शास्त्रों में श्री भगवान के अद्भुत वचन है, तुलसी जी से कल्याण होगा, तो मेरे कर्मों से तो कल्याण होना नहीं, तो तुलसी पहन करके यदि कल्याण हो जाए तो मैं तुलसी को स्वीकार करता हूं, इसीलिए मैंने तुलसी पहन रखी है। इस कारण से तुलसी और तिलक आप लोग दोनों, लेकिन ये कब, जब कोई वैष्णव जो है वो आपके कंठ में तुलसी को पधरा देता है। देखिए तुलसी की अपार महिमा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वैष्णव अपने भजन से उस तुलसी को आच्छादित करता है तो श्री भगवान परम प्रसन्न होते हैं। इस कारण से जब वह नाम करता है तो नाम के जो लक्षण श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृतम में बताए हैं, वह दूर नहीं, वह गति हमको प्राप्त हो जाएगी। एक कृष्ण नाम जीवेरो जोत पाप हरे, जीवेरो साध्य नाई तोत पाप कोरी ते पारे, पर येन कृष्ण नाम जीवेरो लोय बहु बार, तथापि यदि ना बोहे अश्रुधार, ताहोइला जानिवे अपराध साक्षय प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात्र ना हो अंकुर। ये वाली गति हमारी हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैंने जो श्री गुरुदेव के मुख से प्रसाद के रूप में प्राप्त किया था वो आपके सामने रख दिया, आपको सुना दिया, बाकी मेरी कोई योग्यता नहीं है। आप सब लोग कृपा करें कि मैं अपने मेरे गुरुदेव जो मुझसे अपेक्षा करते हैं, मैं उस अपेक्षा को पूर्ण करने की परम चेष्टा कर पाऊं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे। वामन देव बन गए, वामन देव ले आओ। कहाँ पर वामन देव? और नंद जसोदा बनेगी नहीं? नंद जसोदा कहाँ है भैया? नंद जसोदा कहाँ है? हरे कृष्णा, जाओ तो वामन देव ले आओ। तो ये हमारे चिराग या वामन देव ले कर आओ। वामन देव को बनाया कि नहीं? रूबी बनाया है वामन देव को? कहाँ है? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण गोविंद राधा रानी की जय महारानी की जय 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 गिरधारी की जय वनवारी की जय गिरधारी बिहारी की जय 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 कुंज बिहारी की जय जय राधा रानी की। हाँ देखो ये देवता दैत्य में अक्सर करके लड़ाई होती थी। अगर ये दैत्य मर जाए, इनका गुरु शुक्राचार्य वो ऐसे एक मंत्र जानते थे जिसका नाम संजीवनी मंत्र। वो मंत्र से अपना चेलों को जीवित कर देते थे। लेकिन जब देवता मर जाए तो पूरा ही मर जाए। अभी एक समय देवता लोगों ने ठाकुर जी को पास में गए, बोले हम अमर तो कैसे प्राप्त करेंगे? बोले एक काम करो, तुम लोग ये समुद्र मंथन करो, लेकिन अकेले नहीं कर सकते हो, ये दैत्यों को साथ में ले जाओ। बोले तो ये हमारे शत्रु है। बोले देखो काम का समय में ना शत्रु को साथ में भी राम राम कर लेनी चाहिए। हैं, अपना मित्र बना लो और मंदार पर्वत को बनाओ रई, वासुकि नाग को बना दो रजु, फिर तो समुद्र मंथन करो। फिर समुद्र मंथन किया तो सर्वप्रथम हलाहल बीष निकला। अब ये बीष को कौन पान करेगा? तो उन्होंने श्री भोले बाबा को पास में जाकर के प्रार्थना की और शंकर जी जीव कल्याण के लिए उन्होंने टन के टन उन्होंने जहर को पान कर लिया और जहर को रखा कहाँ? बोले अपना गले में रख लिया। इसलिए शंकर जी का गला हो गया नील। शंकर जी का एक नाम श्री नीलकंठ महादेव। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। देखो यहाँ शंकर जी एक शिक्षा देते हैं, अगर कोई गंदी बात हो उसका अपना हृदय में मत रखो और अपना मुंह में भी मत रखो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगी। और इन शंकर जी के हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए, अभी ठाकुर जी का तकलीफ भी नहीं हो, इसलिए उन्होंने कंठे में धारण कर लिए। और मुंह में अगर रखोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगी। हैं, मैं पहले बता रहा था ना, ये महाभारत रामायण का कारण यही जुआ है। इसलिए द्रौपदी ने इतनी सी बात बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है। और सीता जी ने इतना बात बोल दी, लगता है तू लक्ष्मण को बोले अभी मैं समझ गई हूँ साथ में तुमने क्यों आया था, राम मर जाएंगे तो मेरे से शादी करोगे। बस इतना जीवा उन्होंने चलाया था, पूरा रामायण और पूरा महाभारत हो गया। इसलिए शंकर जी जहर को उन्होंने मुंह में नहीं रखा। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुई। समुद्र मंथन से दिव्य दिव्य रत्न निकली। अभी समुद्र मंथन होते होते फिर लास्ट में धन्वंतरी ने ये अमृत कलश को लेकर के उठा। जब उठा दैत्य देवता में लड़ाई प्रारंभ हो गई। क्यों? ये अमृत के लिए ही वो मंथन कर रहे थे। अभी दैत्य लोगों ने जोर जबरदस्ती अमृत कलश छीन लिया। ठाकुर ने देखा अगर ये अमृत कलश छीन लिया तो खा करके अमर हो जाएंगे, अगर अमरत्व को प्राप्त करेंगे तो फिर दुनिया ध्वंस हो जाएगा। फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण करते हैं
बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी इतनी सुंदरी थी, जो आपस आपस में लड़ाई कर रहे थे, मोहिनी को देखते ही लड़ाई सब बंद। अभी सबके सब पागल हो गए इसको साथ में बात करने के लिए बोले तुम कहाँ से आए हो। इतने में एक दैत्य आकर उसको धक्का मार कर, रथ तेरे को पूछना नहीं आता है, अरे पहले से पूछो उसके पिता नाम, पिता माता का नाम क्या है। ऐसे आपस आपस में तो बात करने के लिए पागल हो गए। मोहिनी ने बोली ये आपस आपस में ये सब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, अरे ये लोग उसको कौन है जो पीले पीले सब तिलक लगा करके रखे। बोले ये हमारी भैया है। बोले भैया है, बोले ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोले ये अमृत के लिए। दैत्य मोहिनी ने बोली देखो आपस आपस में लड़ाई करके कोई लाभ नहीं। दैत्यों ने कहा देखो मोहिनी हम अमृत पियेंगे तो तुम्हारी हाथ से पियेंगे। बोले मैं अनजान स्त्री, अनजान स्त्री के ऊपर में विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले अमृत पियेंगे तो तेरी हाथ से, नहीं तो अमृत ही नहीं पियेंगे। बोले देखो अरे बीच में इधर उधर बोलना नहीं, मैं जो कुछ करूँगी उसको मानना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। बोले पहले स्नान करके आओ, स्नान करके दो लाइन करके बैठ जाओ, एक तरफ में देवता दूसरे तरफ में दैत्य। बोले पहले ये देवता हमको ऊपर ऊपर का पानी पानी पिला देती हूँ, जो अंदर में गाढ़ी गाढ़ी रह जाएगी, फिर हम दोनों एकांत में बैठ करके पान करेंगे। बोले मोहिनी भले ही अमृत नहीं मिले, अगर तू मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। वो दैत्यों को देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे, लेकिन दैत्यों के तरफ में थोड़ी सी तेरी चित्तवन से देख रहे थे और मीठी 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 हंस रहे थे। दैत्यों का तो अमृत का तरफ में ध्यान नहीं, उनका ध्यान तो केवल मोहिनी को कर रही थी। उन्होंने अमृत पिलाते पिलाते जब पिला रहे थे, एक स्वर नाम नाम का दैत्य था, उसने कहा भैया इसको ऊपर में कोई विश्वास नहीं लग रहा है, लगता है दाल में कुछ काली है। उसने क्या किया, चंद्र सूर्य को बीच में बैठी करके धोखे से उसने अमृत पान कर लिया। जब पान कर लिया चंद्र सूर्य ने देख लिया तो दैत्य है। उन्हें ठाकुर को इशारा किया, प्रभु जी ये देवता नहीं ये दैत्य, धोखे से अमृत पिया। ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को बुलाया और उसको गले काट दिया। एक हो गया राहु और एक हो गया केतु। ये चंद्र सूर्य ने बोल दिया था, इसलिए बीच बीच में राहु केतु ये चंद्र सूर्य को ग्रास करते हैं। और पुराण में आता है कि जो प्याज लहसुन बना है ना, जहाँ पर उसका मांस गिरा वहीं से प्याज की पौधा हुई, और जहाँ पर उसकी हड्डी गिर गई वहीं पर ये लहसुन का पौधा सृष्टि हुई। इसलिए राक्षस का मांस से ये प्याज और लहसुन सृष्टि हुई। इसलिए ये चीज ठाकुर के सेवा में कहीं नहीं लगता है। अभी देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं और भगवान ने अमृत पिलाते पिलाते कलस को वहीं पर फेंके, ठाकुर वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई। और देवता तो पी चुके थे अमृत, ये अमर बन गए। जैसे केले का पेड़ को काटते हैं, ऐसे ही दैत्यों को एक तरफ से उन्होंने काटना शुरू किया। जब काटना शुरू किया इतने में ब्रह्मा जी आकर के रोक दिए। फिर उनका गुरु जी शुक्राचार्य जी आए, सारे चेलों को संजीवनी मंत्र से फिर जिंदा कर दिए। तो इतने में जो बलि महाराज ने उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वजीत महायज्ञ। जो यज्ञ करने से उनको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। यज्ञ से एक रथ निकली अस्त्र शस्त्र को साथ में, उसको बैठ करके कोई युद्ध करेगा उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने बैठ करके फिर स्वर्ग लोकों पर चढ़ाव की करके सारे देवताओं को मार मार करके उन्होंने भगा दिया। फिर बैठ गए राज सिंहासन पर। अभी देवता लोग मरते जगत में दर दर भटक रहे हैं। उनकी जो माँ अदिति कश्यप ऋषि से बोले मेरे बच्चों को ये स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा। बोले एक काम करो, केवल 12 दिन का एक पय व्रत, ये व्रत करोगे ठाकुर जी बामन रूप में प्रकट होकर के स्वर्ग राज्य तुम्हें वापस देंगे। जब उन्होंने पय व्रत की, ठीक दिन दोपहर में भगवान श्री बामन देव प्रकट होते हैं। बोले श्री भगवान बामन देव की जय। जब बामन देव प्रकट हुए त्रिभुवन वहां पर उमड़ी ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। फिर उनको उपनयन संस्कार हुई, सब लोगों ने कुछ ने छत्री किसने कमंडलों किसने
जूता सब उनको खड़ाम प्रदान की। नियम है जब ये जनेऊ संस्कार हो, अरे गुरुजी जनेऊ संस्कार करवाते हैं, इसलिए नियम है गुरुजी को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो बामन देव बृहस्पति को बोले, गुरुदेव दक्षिणा क्या चाहते हो? बोले छोटे मोटे चीज नहीं, चले जाओ नर्मदा नदी किनारा में श्री बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ से स्वर्ग राज्य को तुम भिक्षा मांग करके लाओ। अभी भगवान बामन देव जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। जब जा रहे थे उसी समय में जब श्री बलि महाराज का दरबार पर पहुंचे, भगवान इतने तेजस्वी इतने सुंदर ठाकुर जी देखने में थे ठाकुर जी, जिसको देख करके बलि महाराज तो खड़े होकर के स्वागत की, क्या स्वयं अग्निदेव ना ये चतुसन, ये कौन आ गए इतना तेजस्वी? तब उनको सिंहासन में बैठा करके उनको चरण को अभिषेक की और चरणामृत पान किया। बोले आज हमारे जीवन धन्य हो गया, आप जैसे ब्राह्मण आज मेरे घर में आए हो। तो उन्होंने चरण धो करके बोला, आपको क्या चाहिए? आज जो कुछ मांगो जी भर करके मैं आपको दान दूंगा। बोले देखो मैं बे से दान नहीं मांगूंगा, पहले आप संकल्प कर, उसको बाद में फिर दान मांगूंगा। फिर उन्हें जब संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य जी यज्ञ कर रहे थे, किसने बोल दिया तू तो स्वाह स्वाह में लगे हुए हो, और उधर चेले हैं ना वो लुटे जा रहे हैं। बोले मतलब चेले लुटे जा रहे हैं मतलब? बोले भगवान स्वयं बामन अवतार बन करके आए, इसलिए इतने में शुक्राचार्य भागते भागते आए। बोले बलि सावधान। बोले क्या बात है? बोले पता है ये बच्चा है कौन? बोले कौन है? बोले पहले जिसने अमृत से वंचित कर दिया ना, वही मोहन ही अभी ये मोहिनी बन करके आए तेरे को ठगने के लिए। देख ये तीन पग जमीन मांगेंगे, ये तीन पग नहीं तुम्हारी त्रिभुवन राज्य को ये लूट लेंगे। खबरदार ऐसे दान को प्रशंसनीय नहीं मानी जाती है, जो पूरा के पूरा तू लूट जा, क्योंकि वो गुरु जी देख रहे हैं अगर चेला अगर लूटा जाएगा फिर गुरु जी को क्या मिलेगा, हैं गुरु जी को क्या मिलेगा, इसलिए खबरदार इसको दान नहीं देना इसको। बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। बोले क्यों? बोले एक तो देवी फिर वो शेर के ऊपर चढ़ करके आई, एक तो ठाकुर स्वयं फिर स्वयं दानी बन करके स्वयं दान लेने के लिए आई। ऐसे किसी का सौभाग्य होगा जिनका ये विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, अगर वो मेरे पास में इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास में दान मांगने के लिए आए, मेरे जैसे सौभाग्यवान कोई होगा मैं जरूर गुरु जी को मैं दान दूंगा। बोले मैं जो गुरु जी का आदेश पालन नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले मैं अभिशाप देता हूँ तो श्री भ्रष्ट हो जा। बोले जो कुछ अभिशाप दे दो लेकिन मैं ठाकुर जी को जरूर दान दूंगा। देखो शास्त्र में बताया गुरु जी त्याग नहीं देनी चाहिए, नियम है जब गुरु जी ग्रहण करते गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन श्री बलि महाराज अपना गुरु जी को त्याग दे दिया। बोले त्याग क्यों दिया, कारण क्या? बोले कारण है, बोले गुरु न सस्यात सो जननी न सस्यात पिता न सस्यात दैवम न तत् सारनम न पतिम सस्यात न मुचेत जह समपेत मृत्यु। ठीक है, दो चार मिनट। इसलिए जो व्यक्ति हमें ये भवसागर से पार नहीं करा दे, कहते गुरु गुरु नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो पिता पिता नहीं, देवता देवता नहीं, वही पिता माता भाई है जो हमें भवसागर से पार करा दे। लेकिन गुरुजी का काम क्या है? बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरुवे नमः। गुरुजी का काम है जो भगवान कण कण में जो विद्यमान है उनके चरण कमल को हमें जो दर्शन करा दिए, गुरुजी का काम है। लेकिन ये साक्षात ठाकुर जी आए और स्वयं भिक्षा मांगने के लिए, कहते कैसे गुरुजी जो कह रहे भगवान को दान मत दिया करो, कहते कोई गुरुजी है? बोले ऐसे गुरुजी की कोई जरूरत नहीं, भले ही मैं श्री भ्रष्ट हो जाऊंगा। फिर जब कमंडल को द्वारा दान देने के लिए संकल्प करने जा रहे थे, फिर क्या हुआ? फिर गुरुजी एक कीड़े बन करके हैं उसके नार में बैठी गए, उन्होंने कुश से छेद किया तो एक आँख ही चली गई, हैं एक आँख ही चली, फिर गुरु जी भागे। देखो यहाँ सिखा देते हैं कोई धर्म कर्म में भगवान की भक्ति में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए,
अगर उसमें कोई टांग अड़ा होगा ना फिर दुर्दशा भोगना पड़ेगा। इतने में उन्होंने संकल्प की, संकल्प जब की इतने में भगवान एक चरण को बढ़ाया तो भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को कहते ब्रह्मांड कटाव को भेद करते हुए वहां से साक्षात गंगा देवी वहां प्रकट हुई। कहते श्री पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में चरण को अभिषेक करते हुए जो पानी कमंडल में रखे उसका नाम ही श्री पतित पावन श्री गंगा बनी। बोले श्री गंगा महारानी की जय। दूसरे चरण अतल बीतल तलातल पाताल सुतल तलोक तल चला गया। बोले बली बड़ा डींग हाँक रहा था, मैं इतना दान दूंगा आपको कहीं भी झोली पसारने का जरूरत नहीं, अभी तो दो पग में विश्व ब्रह्मा ने ले लिया, बताओ मैं तीसरे पग कहाँ रखूंगा। इतने में उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, बोले नागफास बंधन में बांध दो। जब बांध दिया नागफास बंधन में, लेकिन इनका जो पत्नी थी ना बड़ी धर्मवती पत्नी, बड़ी सचमुच से पत्नी मतलब क्या है, प मतलब होता है पतन, ती मतलब होता है जो पति को कभी पतन करने नहीं दे, पति को हर समय जो उठा करके रखे, कहते ये पत्नी है। इतने में उनको पत्नी ने कहा ठाकुर जी का आपने किया दिया विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी का, ठाकुर तो अपना दुनिया ठाकुर ठाकुर ले लिया, जब खुद को खुद आप ठाकुर को नहीं देते हो उसको कोई देना कहते हैं, बोलो ना मेरे सर पर चरण रखो। बलि महाराज इतने खुश इतने प्रसन्न हो गए, बोले सचमुच से तुम पत्नी हो हैं, पत्नी को धर्म किया है, पति को हर समय भगवान की भक्ति रूपी धर्म में जो मदद करे हैं, इसका नाम पत्नी है। बोले सचमुच से तू सही पत्नी हो। बलि महाराज बोले ये बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा, बोले दानी बड़ा, बोले अभी तो आप केवल दान को ही लिया, अभी दानी स्वयं बाकी है, दानी अभी स्वयं बाकी, इसलिए बोले चरण कहाँ रखे, बोले मेरे सर पर रखो। भगवान अपना तीसरा चरण उनके सर पर जब रखे, इतने में सारे देवता लोग दर्शन कर रहे थे भगवान का चरण किया है, बोले ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिन चरण को ब्रह्मा शंकर नारद जिनकी चरण की उपासना करते हैं, बोले यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, बोले जिनकी चरण की छटा को ब्रह्मा भी दर्शन नहीं कर पाते हैं ऐसे भगवान की चरण हैं। जब उन्होंने वह चरण को दिया सारे देवता लोग दर्शन करते हुए देव लोग से पुष्पों की बौछार की। बोले श्री बलि महाराज की जय। जोर से बोलो, बोले श्री वामन भगवान की जय। अभी भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, बोले तुमको मैं सुतल लोक में मैं तुमको स्थान देता हूँ। बोले बर मांगो, बोले प्रभु बर हमें ये दो, मैं जब मैं घर से निकलूँ आपका दर्शन करते हुए निकलूँ, और घर में जब आऊँ आपका मैं दर्शन करते हुए घर में प्रवेश करूँ, इसलिए आप मेरे क्या करो, ठाकुर जी उनकी दरवाजा पर दरवान ठाकुर जी बन गए, ठाकुर जी दरवान बन गए। एक दिन नारद जी पहुंचे बैकुंठ में, जब बैकुंठ में पहुंचे देखा बैकुंठ खाली, तो उन्होंने पूछा नारद जी ठाकुर जी कहाँ गए, बोले पता नहीं कहीं तो गए अभी तक नहीं आए। बोले ठाकुर जी अभी विदेश में नौकरी कर लिया, बोले विदेश में नौकरी, बोले कहाँ पर, बोले बलि महाराज का दरवाजा पर, उन्होंने वहीं पर दरवान बन गए। अभी लक्ष्मी बोली तो फिर गए, बोले ठगने गए थे स्वयं ठग गए, अभी आए लक्ष्मी प्रभु को लेने के लिए आए, आए तो देखा भगवान दरवाजा में खड़े हैं और जगते रहो बोल रहे हैं। इतने में लक्ष्मी बोली प्रभु यही क्या कसर रह गया था, मतलब भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं किया था, भगवान भक्तों के लिए दास बन गए ठाकुर जी, बोले यही कसर रह गया था दरवान बनने का। बोले बात मत करो अभी मैं ड्यूटी में हूँ, कोई बात मत करो मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। बलि महाराज रोज दान देते हैं, अभी माँ लक्ष्मी भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। माँ लक्ष्मी की जब नंबर आई, बलि महाराज बोले मांगो क्या चाहते हो, बोले पहले संकल्प करो, बोले एक संकल्प कराने वाला तो पहले आया था, ये कोई दूसरी आई, समझ गई कोई दाल में काला है। बोले संकल्प का क्या जरूरत, जो मांगना मांगो मैं देने के लिए तैयारी। बोले बगैर संकल्प से मैं नहीं
मांगती हूँ, संकल्प लेना पड़ेगा। जब संकल्प किए बोले बताओ, बोले मेरे घर में तो सब कुछ है लेकिन एक दरवान की काम कमी है। मैंने देखा आपका दरवाजा पर एक अच्छा दरवान है, वो जो दरवान को मेरे को दे दो। बोले समझ गए, ये कोई दाल में काली है काला है। बोले ये बताओ आप है कौन, फिर मैं दूंगा। फिर स्वयं माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट होती हैं। जब प्रकट होती हैं इतने में श्री बलि महाराज बोले, बोले ठाकुर जी को तो मैं दे ही नहीं सकता। तब भगवान ने एक स्वरूप में तो वहीं पर दरवान बन करके रहे और एक स्वरूप में उन्होंने लक्ष्मी को पास में आए। देखो ये चीज को समझो, भगवान कितने भक्तों का प्रेम में बसीभूत हो जाते हैं। बलि महाराज का प्रेम में ठाकुर जी कितने बसीभूत हो गए। बलि महाराज का जो भक्ति आत्मसमर्पण भक्ति है, हाँ इनको उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ठाकुर जी कितने रीझ गए। बलि महाराज दान किसको दे रहे हैं, बोले माँ लक्ष्मी को। लक्ष्मी का हाथ हर समय ऐसे रहती है, सारा दुनिया लक्ष्मी के लिए पागल है। लक्ष्मी नहीं होगा ना कांगाल बन जाओगे। एक बार जगन्नाथ भी कृष्ण भी कांगाल बन गए थे, लक्ष्मी के ऊपर कभी झगड़ा हो गया था है, इसलिए स्वयं बलदेव जगन्नाथ स्वयं लक्ष्मी के लिए दर दर भटकते रहे। लक्ष्मी उनको बड़े नाराज हो गई। स्वयं कृष्ण बलराम को भोजन नहीं मिला, बड़ा कष्ट भोग किए। सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है, लक्ष्मी की, लेकिन सारा दुनिया लक्ष्मी की तो कृपा चाहती है लेकिन आज लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। कौन? बलि महाराज। दान क्या दे रहे हैं, बोले छोटे मोटे चीज दान नहीं दे रहे, साक्षात ठाकुर जी को दान दे रहे। तब उन्होंने श्री बामन देव का हाथ को ला करके लक्ष्मी को हाथ में दे दिया और लक्ष्मी ठाकुर जी को लेकर के फिर वैकुंठ गई। इसका मतलब है भगवान कितने भक्त वत्सल है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। बामन देव को आ जा, बामन देव देखो आज भगवान बामन देव आपका घर में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। और भगवान को भिक्षा देने का बड़ा महत्व है। जैसे सुदामा जी ने दो मुट्ठी चिड़वा दिया तो त्रिभुवन का राज्य भगवान ने दे दिए, इसलिए अभी ये जाएंगे आपके पास में भिक्षा लेने के लिए। आप लोग ने इनको थोड़ा थोड़ा भगवान को भिक्षा देना थोड़ा थोड़ा। बोले श्री बामन भगवान की जय। जाओ बच्चा तुम जाओ, सबसे भिक्षा लेकर के आओ। आप गाओ तो प्रभु जी बोले बामन दे भगवान की जय। जय श्री राम। मत के दान जनी को ओ राजा बलि, मत दे दान जनी को द्वार खड़े भगवान हरे खड़ा भगवान भगत भगत भर दे
सारा जगत है सारा डोली उठे डोला जगत है सारा नंद जसोदा तैयारी कि नहीं? अरे नंद जसोदा तैयारी कि नहीं? आप लोग बड़े ढीला ढला आदमी हैं। बच्चा भी नहीं है? बच्चा की जरूरत नहीं, जो गोपाल है ना, हरे कृष्णा, ये जो गोपाल जी, ये गोपाल जी को ही सर पर के टोकरी में रख करके ये गोपाल जी को ले आना, क्योंकि वो कोरोना के डर से बच्चे को लाए नहीं। ये गोपाल जी ले जाओ, तब तुम तैयारी कर जाओ, तैयारी करके मैं जो बोलूँगा लाना। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोर से बोलो, बोले श्री नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुर जयो राज्ञांग चुभय वंशानां चरितंग परमाद्भुतम। बोले भागवत में दो वंशावली का नाम आया है, कहते एक चंद्रवंश, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए, और सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र आए। यद्यपि वो दोनों वंश में बहुत बड़े बड़े राजा भी आए हैं, लेकिन आने पर भी लेकिन कृष्ण राम जैसे सुंदर सुंदर लीला की, इनकी कथा जितने प्यारी है, इतने प्यारी और किसकी कथा नहीं। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बोलने जा रहे हैं, जब जा रहे थे उन्होंने केवल एक श्लोक बोल करके, जैसे अगस्त मुनि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया, इन्होंने भी एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। कैसे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कैसे गोकुल में आए, और गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जैसे वहाँ पर कैसे महोत्सव हुई, कैसे पुतना अघासुर बकासुर कुमारे, कैसे काली के सर पर नृत्य की, कैसे ठाकुर जी गिरिराज उठाए, कैसे सतकर्ण गोपियों के साथ में रास की, फिर मथुरा में कंस को मारे, द्वारका में 16,108 पटरानियों से शादी की, और एक एक पत्नी से 10-10 बेटे, एक एक बेटी जन्म हुई, और कृष्णा
ऋषियों से अभिशाप को ग्रहण किया और प्रभास में जाकर के उन्होंने सारे वंशों को समाप्त करते हुए कृष्ण अपना धाम को चले गए। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी, सुना करके बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए। परीक्षित बोले क्या कृष्ण कथा हो गया? बोले पूरी तो बोल दिया। बोले मैं तो चार दिन से बैठा हुआ हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए। क्यों? कृष्ण मेरे कुल देवता है। जब मैं अपना माँ के पेट में था, ये अस्वस्थ माँ मेरे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। भगवान कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके अपना गदा घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया और मेरे को उन्होंने रक्षा किया, इसलिए कृष्ण मेरे को प्राण दिए हैं। केवल मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए ही मैं यहाँ पर चार दिन में बैठा हुआ हूँ। आप तो एक श्लोक कृष्ण बोल करके पूरा कथा को आपने समाप्त कर दिया, मेरे को आनंद नहीं मिला। इसलिए मेरे को कृष्ण कथा पूरी डिटेल्स रूप में कृष्ण कथा मेरे को सुनाओ। अभी यहाँ प्रश्न है, सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा के क्यों गाए? तब हमारे टीकाकार उसका दो कारण बताया। एक कारण बताया, जैसे कोई एक व्यक्ति जेठ की जैसे गर्मी है, बहुत तेजी गर्म पड़ रहा है, कोई बाहर से आया प्यास का मारे छाती फट रहा है, अगर एक ग्लास उनको जूस दो वो क्या करेगा? एक साथ में उसने पी लेगा। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी कौन है? कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण सुख नहीं, ये राधा रानी के निकुंज महल में रहने वाले, सब राधा कृष्ण की लीला को जो दर्शन किया, कभी कभी राधा रानी जिनको चुंबन करती थी, राधा जी के अधरामृत जिनकी अधर में लगा हुआ, ये कोई साधारण सुख नहीं, ये राधा जी की प्रिया सुख है। ये भी सोच रहे थे कब कृष्ण कथा आए और मैं जी भर करके ये कृष्ण कथा को मैं बोलूं, वो भी यही चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण कथा की बारी आई है, पूरा के पूरा उनका हृदय में ये कृष्ण कथा एकदम पूरा के पूरा उतरने लग गया। और उन्होंने क्या किया, जैसे एक व्यक्ति गरीब में आए पूरा के पूरा आए, उन्होंने एक श्लोक बोल करके तो पूरा कृष्ण कथा को उन्होंने पी लिया। कभी ये पहला कारण। दूसरा कारण किया, अभी सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं ये परीक्षित चार दिन से बैठा हुआ, क्या सचमुच से कृष्ण कथा सुनना चाहता ना, इसे बैठा हुआ है, इसलिए उन्होंने कथा को बीच में बंद करके बोले तुम चार दिन हो गया एक ग्लास पानी तक भी तुमने नहीं पी, अरे कम से कम थोड़ा सा पानी तो पी ले, चार दिन ही हो गया तुम वैसे बैठा हुआ हो। तो परीक्षित महाराज ने कहा ये पानी के लिए जितना गड़बड़ी हुई ना, मैंने पानी मांगने के लिए गया और ऋषि ने पानी नहीं दिया, मैंने उनको गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और बेटा ने मेरे को अभिशाप दे दी, ये पानी के लिए जितना गड़बड़ी हुई, फिर पानी की बात कर रहे हो, अब पानी की बात मत करो, आपकी जो मुखार बिंद को दर्शन करते हुए आप जो कृष्ण कथा रूपी गंगा को बहा रहे हो, वो गंगा में गोता लगा लगा करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, इसलिए आप कृष्ण कथा को बंद मत करो, आप कृष्ण कथा बंद करते ही मेरे को प्यास लगने लग जाएगी, इसलिए आप कथा को कंटिन्यू आप सुनाते रहे हो। कृष्ण कथा को ही क्या बताए, बोले निवृत तस्सई रूपगीय मानात भव औषध छत्र मनोभिरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान बिरज्यते बिना पशुघ्नात। यहाँ पर भगवान कथा को रसायन बताया, कृष्ण कथा को अमृत यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये कृष्ण कथा नहीं ये अमृत है, ये रसायन को हम पान कर रहे हैं, इसलिए भव औषध छत्र मनोभिरामात। अगर कोई भव सागर से पार होना चाहते हैं, सबसे मीठा दवा किया बोले भगवान की कथा, इससे मीठी दवा और कुछ नहीं, भगवान कथा ही सबसे मीठी दवा है। बोले दवा जैसे एलोपैथिक मेडिसिन बड़ी कड़वी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं मुंह में डाल करके झट पानी पी लेते हैं, क्यों वो कड़वी होती है। बोले आप बता रही हो दवा ये क्या कड़वी, बोले नहीं कड़वी नहीं, बोले स्रोतो मनोभिरामात,
वाले हृदय और ये कान को ये रसायन देने वाले आनंद देने वाले ये कृष्ण कथा है। यही कृष्ण कथा जो श्रवण करेगा ये भवसागर आसानी से पार हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कथा में इतने रस है, सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी जो संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे, केवल एक श्लोक उन्होंने सुन लिया तो सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को त्याग करके संपूर्ण 7 दिन तक उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई। इसलिए मेरे को आप कृष्ण कथा सुनाते रहो। बोले कृष्ण कथा कैसे है? बोले 3 गंगा है। कितना गंगा है? 3। क्या क्या? बोले एक गंगा स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोक को कल्याण करती है। दूसरी गंगा मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, जो ये मर्त्य जगत को कल्याण करती है। तीसरी गंगा भोगवती, वो पाताल में रहती है, वो पाताल लोक को कल्याण करती है। जैसे ये गंगा 3 लोक को कल्याण करती है, कृष्ण कथा भी 3 लोक को कल्याण करती है। बताओ किसको किसको? बोले जो प्रश्न करता है, जो सुनता है और जो बोलता है। कहती ये कृष्ण कथा 3 लोगों को ये कृष्ण कथा पवित्र करती है। बोले आप कृष्ण कथा सुनाते रहो। फिर उन्होंने प्रसन्न हो गए, बोले इसको सुनने में रुचि है। फिर उन्होंने पूरा 3-3 दिन तक पूरा के पूरा उन्होंने कृष्ण 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 कथा सुनाई। इसलिए हम भी कल से 3 दिन तक केवल कृष्ण कृष्ण ही कथा सुनाएंगे। बोले कृष्ण कथा कैसे है? बोले कृष्ण एकदम मीठे हैं। आप लोग रसगुल्ला खाए ना, जिधर से खाओ उधर से मीठा है, हैं? इसलिए कृष्ण को वेद में बताया, रस बैस रसम जवायम लब्ध्वा आनंद भवति। कृष्ण कथा केवल रसी रस है भगवान, अखिल रसामृत मूर्ति। इसलिए बल्लभाचार्य कहते हैं, बोले अधरंग मधुरम नयनंग मधुरम चरितंग मधुरम गामनंग मधुरम हृदयंग मधुरम मधुर दीपते रखिलक मधुरम मधुर दीपते रखिलक मधुर। बल्लभाचार्य कहते हैं कृष्ण का मिठी भी मधुर है, उनकी दर्शन भी मधुर है, उनका बोलना भी मधुरा है, इनके हृदय भी मधुरा है। कृष्ण पूरा मीठा ही मीठा है, जिधर खाओ वो उधर ही कृष्ण मीठे मीठे हैं, हैं? कृष्ण कथा बड़ी मीठी कृष्ण कथा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते, जिस समय ये मर्त्य जगत ऊपर में अत्याचार हुई, कंस ने इतना अत्याचार की, पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा शंकर इंद्र को लेकर के खीर समुद्र के तट पर पहुंचे, पुरुष सुक्त मंत्र से भगवान की उन्होंने स्तुति की, आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो मैं जल्दी जल्दी इस जगत में आ रहा हूँ, हे देवताओं तुम लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण करो, हे देवियों तुम लोग वृंदावन में गोपी बन करके प्रकट हो जाओ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। इतने में कंस ने क्या किया, उग्रसेन को उन्होंने जोर जबरदस्ती उनको उग्रसेन को जेल में बंद करवा दिया। और जितने साधु संतों को बोले, खबरदार मेरे देश में कोई हवन नहीं कर सकते, भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकते, इनको जेल में सब बंद करो। जेल में बंद करवा दिया सब साधुओं को। और साधु लोग जेल में बैठी बैठी करके भगवान को पुकार रहे हैं, तारणहार कब आकर के हमें उद्धार करोगे, भगवान को पुकार रहे हैं। इधर किया हुआ कंस ने अपना बहिन देवकी को उन्होंने वसुदेव को साथ में साधी दे करके जब स्वयं सारथी बन करके विदाई दे रहा था, आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम विदाई दे रहे हो यही देवकी की गर्भ में अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उन्होंने चोटी को पकड़ करके तलवार निकाले जब मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव उन्होंने तरह तरह से साम दाम दंड भेद नीति से समझाया। बोले देख एक दिन तो मरना ही है, जब एक दिन ही मरोगे फिर अपना बहन को क्यों मार रहे हो, दुनिया क्या बोलेगा, बहन का हथियार, जब तक दुनिया रहेगा तेरी बदनामी होगी। बोले आकाशवाणी सुने नहीं? बोले मैंने भी सुना है। वसुदेव ने कहा ये बताओ तू एक दिन मरोगे कि नहीं? बोले मरूंगा। बोले कौन मरता है, ये शरीर, आत्मा तो मरती है ही नहीं, ये तो न जायते न मृियते और जो नित्य है,
ये तो मरने वाले नहीं। जैसे हम एक पुराना वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर चली जाती है। ये आत्मा नित्य शाश्वत है। नय नम छिंदंति शस्त्राणी क्लेदंते आप नहीं न सोचती मारू, तो आग से जलती नहीं, पानी में भीगता नहीं, अस्त्र से उसको काट नहीं सकते। ये तो शरीर मरती है लेकिन तब भी नहीं सुनेगा। बोले देख तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चे एक एक करके दे दूंगा, इसलिए तू अपना बहन को मत मारा करो। छोड़ दिया, जब पहला बालक हुआ उसने कंस को दे दिया, उसका हृदय तक तो पिघल गया। अपना बच्चे को भी मृत्यु को सामने दे सकता है, खुश हो गया। बोले इसको ले जा, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया। बोले क्यों? बोले ठाकुर कब आएंगे? जब पाप की घड़ा भरेगा तब ठाकुर जी आएंगे, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भाव आ रही है, ठाकुर आने में देर करेंगे। इतने में श्री नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय एक बगीचा में उसको एकांत में बुलाया। बोले देख अभी मैं ब्रह्मा लोगों से आ रहा हूँ, मैंने देखा ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर मीटिंग कर रहे थे, जानते हो उसका उद्देश्य क्या था? तेरे को मारने के लिए, कि जितने जदुवंशी और कोई नहीं देवता लोग हैं और जितने गोपियां सब देवी तेरे को मारने के लिए आए। तो उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें आठ पंखुड़ियां। बोले बताओ तो पहला नंबर कौन, आठवां नंबर कौन? बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बोले उल्टा गिनो। बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बोले गुरुजी क्या बताना चाहते? बोले समझ में नहीं आ रहा है, ये देवता का बात समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से एक दो कर रहे हो, अगर वो उल्टा से एक दो करे तो जिसको तू एक कर रहे हो ना हो जाएगा आठ, इसलिए इनका बात समझना बड़ा कठिन। जब आठ भाई जन्म लेंगे बड़े होएंगे कि नहीं? बोले हाँ। बोले सब मिलकर तेरे को मारेंगे। बोले गुरुजी फिर क्या करें, सबको मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरे बात जानता है। भड़का दिया कंस को और नारद जी भाग गए। उसने एक एक करके उन्होंने छह बच्चों को उन्हें मार डाले। बोले नारद जी ये सब काम क्यों किया, इनको मरवाया क्यों? बोले कारण है ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी की मानस संतान मर चुके। एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदरी एक बेटी जन्म दी और स्वयं बेटी को प्रति आसक्त हो गई। इन लोगों ने हंसी उड़ाया था, इसलिए महत व्यक्ति को क्रिया को देख करके हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उन्होंने अभिशाप दिया, तीन जन्म तक अपना पिताजी के हाथ में मरने पर तुम्हारी उद्धार होगा। ये पहले काल नेमी था, वही कंस बन करके आया, अभी मारेंगे तो इनका जल्दी जल्दी इनका उद्धार हो जाएगा, इसलिए उनको उद्धार उन्होंने करवा दिया। और दूसरा कारण है भगवान अष्टम गर्भ में आए। बोले अष्टम गर्भ में क्यों आए, ध्यान देकर सुनो, कल मैं पूछूंगा। कहते भक्ति की आठ स्टेजेस है, जैसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्त, रुचि निष्ठा, आसक्ति भाव और प्रेम। प्रेम में ही कृष्ण प्राप्ति है, इसलिए छह बच्चों को मारे मतलब कहते अगर हृदय में भगवान को प्रकट करना चाहते हो, हमारे सबसे बड़ा छह शत्रु जो अंदर में बैठे हुए कौन है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, जो हमारे हृदय में शत्रु बैठे हुए, पहले ये शत्रुओं को मारो। मारने के बाद सप्तम गर्भ में सख्यात बलदेव दाऊ भैया आए हैं। बोले श्री दाऊ भैया की। बोले दाऊ भैया कौन है? बोले ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता जो पृथ्वी की स्वरूप है बनाए हैं, इसलिए भगवान की जैसे राम आने से पहले ये लक्ष्मण आए हैं, इसलिए उस हाँ इसलिए लक्ष्मण राम भद्र, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर भगवान को प्रकट करना चाहते हो हृदय को शुद्ध सत्व बनाओ, निर्मल बनाओ। जो दस शरीर से और पंच रसों से ठाकुर को सेवा करते हैं, भगवान को जो धारण करने वाले, इसलिए सप्तम गर्भ में आए। फिर अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले भगवान श्री कृष्ण।
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी भगवान कृष्ण आने वाले, जब गर्भ में ठाकुर जी आए, 133 करोड़ देवता आकर के भगवान को स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजुवनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान को सब सत्य सत्य बोल करके बोले हे प्रभु आप बोले थे आएंगे, सचमुच से आप आ रहे हो, जिनका व्रत ही सत्य है। बोले भगवान का व्रत क्या है, हम लोग भी तो व्रत रखते हैं ना। बोले ठाकुर का भी एक व्रत है। ठाकुर का व्रत क्या है, बोले सकृत एव प्रपन्ना जस तवाम स्मितत जाचते। अगर एक बार किसी ने बोल दिया हे ठाकुर जी तू मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस एक बार निष्कपट होकर बोल दो, भगवान कहते ये मेरी व्रत है। कहते क्या व्रत है, बोले अभयम सर्वदा तस्मयी, मैं उसको हर समय में अभय प्रदान करता हूँ, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं, ये भगवान की व्रत है। सारे देवता लोग भगवान को स्तुति कर रहे थे, बोले प्रभु आपका भक्ति को जो आश्रय ग्रहण करता है वो अनायास ही विघ्न के सर के ऊपर प्यार रख करके संसार से उधार हो जाते हैं, लेकिन तेरे भक्ति को जो अनादर करके ज्ञान कर्म के तरफ में चलते हैं वो कठोर तप के बड़े ऊंचे पद को प्राप्त करने पर भी पतन्ति अधः, कहते तो उनका पतन होता है, लेकिन तेरे जो भक्त हैं भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। सारे देवता लोग स्तुति स्तव कर रहे थे। अभी ठाकुर जी आने वाले, अगर यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए ना मोदी, उसके लिए कितने स्वागत होता है। अभी विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे तो उसके लिए कितने स्वागत नहीं होनी चाहिए। कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः सर्व काल पेत काल परम शोभन, बोले जितनी 6 ऋतु एक साथ में सबके सब प्रकट हो गए। और भगवान रात 12 बजे ठाकुर जी प्रकट होते हैं रात, और अष्टमी रात में भादो की महीना अष्टमी रात में चंद्रमा क्या होता है आधी, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट क्यों, बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं इसलिए चंद्रमा पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन आज कमल फूल खिल गया रात को। बोले कमल फूल क्यों खिल गया, कारण है बोले संत जन जब ठाकुर जी को स्वरूप को वर्णना करेंगे बोले नमो पंकजनाभाय नमो पंकज मालिनी, भगवान के हस्त कमल चरण कमल नेत्र कमल मुख कमल सब कमल कमल को साथ में उदाहरण देंगे, इसलिए कमल खिल गया है। यमुना नदी कलकल कलकल नाद से प्रवाहित हो रही है और भगवान की जय जयकार करते हुए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले यमुना क्यों प्रसन्न हो रही है, बोले ठाकुर जी मेरे को पटरानी बनाएंगे, मैं कृष्ण का सखी बनने वाली और ठाकुर जी जल में विहार करेंगे, इसलिए यमुना बड़ी प्रसन्न हो रही थी यमुना देवी। और ये पृथ्वी की प्रसन्नता की ठीक नहीं, बोले कारण क्यों पृथ्वी क्यों प्रसन्न हो रही थी, बोले भगवान हर अवतार में मेरे को कृपा की, सत्य युग में भगवान बराह रूप में पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन किया था और अपना पत्नी रूप में स्वीकार किया था, त्रेता युग में माता सीता कहाँ से जन्म हुई बोलो, धरती से, इसलिए भगवान की शादी हुई, इसलिए भगवान का धरती क्या लगती है सांस, इसलिए कहते त्रेता युग में मेरे को ठाकुर जी अपना सांस बनाई। अभी द्वापर युग में भगवान कहते सत्यभामा रूप में ये पृथ्वी आएगी, इसलिए मेरे को ठाकुर जी अपना पटरानी बनाएंगे, नंगे प्यार से वृंदावन में गैया चराएंगे, इसलिए मेरे जीवन धन्य हो जाएगी, इसलिए पृथ्वी की आनंद की सीमा नहीं, पृथ्वी इतना प्रसन्न हो रही थी। कहते जितने नदियां भी खुश हो रही थी, बोले नदियां क्यों खुश हो रही थी, बोले सबसे बड़ी नदी ये कालिंदी यमुना, और जितने नदियां उनकी छोटी बहन, जब कृष्ण की कालिंदी को साथ में शादी होगी फिर ये नदियां क्या लग जाएगी उनकी साली। आप देखना कभी कभी दामाद पत्नी से भी साली को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए इसी वजह से मेरे को हम लोग को भी कृष्ण प्रेम करेंगे, इसलिए वो पृथ्वी एकदम सधज गई कुंज जैसे। बोले कारण किया, बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते, ठाकुर जी कंदर कंदरा में सुंदर सुंदर लीला करेंगे, इसलिए पृथ्वी एकदम वृंदावन धाम फल फूल से ये वृंदावन धाम सज गई।
इसलिए सारा दुनिया भगवान की जय जयकार कर रहा था। और विशेष करके आकाश में अगर काला मेघ छा जाए ना, चार व्यक्ति खुश होते हैं। मतलब चार व्यक्ति कौन खुश होते हैं मेघ देख करके? पहला नंबर मोर। मोर कब नृत्य करता है? जब आकाश में काला मेघ छा जाए, गड़गड़ गड़गड़ शब्द हो, वो पंख खुला करके नृत्य करता है। कहते ये मोर कौन? कहते श्री भोले बाबा, श्री नीलकंठ स्वयं भोले बाबा। बोले क्यों? कल हम सुनेंगे शंकर कैसे स्वयं ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आएंगे। दूसरा व्यक्ति किसान खुश होता है। बोले क्यों? किसान खेती करता है, आकाश में अगर मेघ छा जाए तो बारिश ही होगा, तभी तो शस्य होगा। बोले यहाँ पर किसान कौन? बोले पितामह ब्रह्मा। उन्होंने जगत को सृष्टि की, लेकिन दैत्य लोग को आकर के पृथ्वी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ब्रह्मा देख रहे थे ठाकुर आने पर, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसलिए ब्रह्मा संतुष्ट प्रसन्न हो रहे थे। बोले तीसरा व्यक्ति कौन संतुष्ट होता? बोले चातक। ये चातक का पानी पीता है, स्वाधी नक्षत्र का, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है। इसलिए चातक कौन है? बोले नारद आदि जितने संत लोग है। चौथा व्यक्ति बोले दावानल में दग्ध हाथी। जब जंगल में आग लग जाए ना, हाथी बड़ा कष्ट पाता है, इधर उधर भागता है, लेकिन जंगल का आग तो बुझेगी नहीं। कब बुझेगी? जब घना घोर बारिश ही हो है, तभी बुझेगी। इसलिए यहाँ पर इंद्र देवता आदि कौन है? ये दावानल में दग्ध बोले इंद्र चंद्र आदि देवता। दैत्य लोग चढ़ाव करके स्वर्ग में अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन जब देखा कृष्ण मेघ भगवान आ करके सारे दुष्टों को विनाश करेंगे, संतों को पालन करेंगे, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। इतने में ठाकुर जी रात 12 बजे कंस की कारागार में प्रभु जी चतुर्भुज लेकर के प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ठाकुर जी प्रकट हुए, इतने में देवकी वसुदेव स्तुति करने लग गए। बोले प्रभु आपको तो बालक रूप में हमने प्रार्थना की, आप तो 16 साल के जैसे शंखचक्र गदा पद्म लेकर के आए हो हैं, इसलिए जय जयकार कर रहे थे। इतने में देवकी वसुदेव बोले प्रभु जय जयकार मत करो, क्योंकि कंस अगर जग जाएगा तो गड़बड़ी होगा। बोले इसलिए तो शंखचक्र गदा पद्म लेकर के आया हूँ, अगर इस बार मेरे 6 भाइयों को मार डाला कंस, अगर कंस कुछ बोलेगा ना, पहले से रेडी होकर के आया हूँ, छोड़ूंगा नहीं इस बार मामा को, इसलिए कोई चिंता मत करो। बोले प्रभु आपको तो हमने बालक रूप में प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रश्नी और सुतपा थे, केवल पत्ते खा खा करके मेरे को आराधना की। मैं जब संतुष्ट होकर के बोला वर मांगो, तुम दोनों वर मांगे थे, मेरे बच्चे बन करके आओ, इसलिए अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को ले जाना गोकुल में, वहां पर बेटी को ले आना मेरे को रख करके। बोले जाऊँ कैसे? हाथ हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, पहरादार जगे हुए। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर ले लो, सब बंधन खत्म हो जाएगा। देखो ठाकुर जी एक अच्छी शिक्षा देते हैं, हम जो कुछ घर में करें ना, पहले ठाकुर को सामने रख करके। ऐसे नहीं कोई घर में बच्चे का बर्थडे कर रहे हो, शादी की सालग्रह शादी, भगवान से कोई मतलब नहीं। जितना उल्टा पुल्टा व्यक्ति को बुला करके मांस मदिरा उनको खिला रहे हो, डिस्को डांस पर नाच रहे, कोई ठाकुर से कोई मतलब नहीं। बोले नहीं ऐसे नहीं, पहले बच्चे के लिए कपड़े बनाने से पहले देखो ठाकुर के लिए कपड़े है कि नहीं, दुनिया को खिलाने के लिए पहले देखो ठाकुर जी के लिए क्या भोग लग रहा है, ये पहले देखो। अगर ठाकुर जी का कोई भी काम ठाकुर को सामने रख कर करोगे ना, जैसे इनका सारे बंधन टूट गई, सारे पहरा दरस हो गए और लेकर के चले गए, उसी तरह कहते मंगल भवन अमंगल हारी, सारे अमंगल जीवन का दूर हो जाएगा। जब ले जा रहे थे, रिमझिम बारिश ही हो रही थी, अनंत देव छत्री रूप में धारण किए हुए थे, यमुना लबालब भरी हुई थी। जब चल रहे थे, यमुना सोच रही थी मैं भी तो ठाकुर का चरण स्पर्श करूं, यमुना उफरने लग गई, ठाकुर जी पीछे चरण बढ़ाए, यमुना स्पर्श करके नीचे उतर गई, फिर जोग माया एक सियार रूप धारण करते हुए सामने जा रहे थे, और उन्होंने यमुना को पार करके गोकुल में चले गए। फिर क्या होता है फिर कल सुनेंगे, कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके कैसे जन्म हुए, और कल राधा रानी की हम जन्म तिथि मनाएंगे। इसलिए आप लोग कल, आज कौन सा रंग का साड़ी पहन करके आए हो? पीला। कल गुलाबी रंग का सब साड़ी पहन करके आना, कल राधा रानी जन्म लेगी और कल कृष्ण गोकुल में जन्म ग्रहण करेंगे, ठीक है।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की ले आओ, ठाकुर जी को ले आओ, प्रभु जी भजन गा, डर जाल प्रभु जी, उनको माइक को थोड़ा तेज कर दो। राधे श्याम, हाँ ठाकुर को, ठाकुर जी को ले आते, बोले सुस्वागतम कृष्णा, ले आओ उनको, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वाग, सब फूल लेकर ऊपर छोड़ो, ए सुस्वागतम कृष्णा, फूले सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, अब बधाईगा। अभी हमारे ब्रजवासी प्रभु आए हैं, बड़े सुंदर सुंदर बधाई गाएंगे, और जो नाच सके भगवान की बधाई में, जो नृत्य करेगा उसको जन्म मृत्यु का चक्कर में नृत्य करना सब खत्म हो जाएगा, सुंदर सुंदर भजन का। तो लाला मथुरा में प्रकट भयो और नंद बाबा के यहाँ गोकुल में लाला को जन्म भयो, तो समस्त ब्रजवासी जब लाला को जन्म सुनो तो दौड़े दौड़े गए, चलो भैया ग्वाल वालो मंगल सका, चलो भैया, चलो गोपियों, चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो, चलो, चलो। गोपी ग्वाल जय 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 बोलते कहा बूढ़े कहा बाल, जय 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 बोलते कहा बूढ़े कहा बाल। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी भक्तों से मेरा निवेदन, आइए नंद के द्वार पर हम लगते हैं, और किस प्रकार यशोद मैया बड़ी उदार है, नंद बाबा किस प्रकार बधाई का आनंद मिल रहा है, बोले नंद के दादा की जय, यशोदा के छैया की जय, दाऊ के भैया की जय, गोकुल ग्राम की जय, जय जय साकी, चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, खड़े हो जाओ नाचने के लिए, चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन करिया है, चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला दर्शन करिया है, सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन करिया है, जय सुदामे लाल
Thank you.
आयो रे आयो रे लाला आयो रे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोले नंद महोत्सव की जय, गुरुदेव के लाल बेटी संत हितकारी की खैर छबीले की रसीले की आयो रे आयो रे लाला आयो रे आयो रे बाजो 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 रे Hey!
गुरुदेव के लाल
वाली गई गैया सांभर लो तुझे मामे सोना चांदी हीरा मोती बाबा नानक जाने सोने सिंह वाली गई गैया सांभर लो तुझे मामे सोचेंगे सोने भैया कहे आज हारो प्यारो
नाना जी थे अलंकार हरि नाना मां
हरी हरी बोल। हरी भद्रलाल प्रभु की जय।